सभी लोग को गुड गुड इवनिंग बोल रहे हैं सर को कॉल कीजिए लगता है भूल गए भूले नहीं है बाबू ठीक है सभी लोग को गुड इवनिंग ठीक है एक बार सेशन को सारे लोग शेयर कर दीजिए आज लेवलिंग का पूरा का पूरा समापन होगा ठीक है चलिए हाँ सारे लोग जुड़ जाइए चलिए चलिए एक बोल रहे हैं कि राइज एंड फॉल मेथड का टेबल नहीं बन पाता है उनका सॉल्यूशन करेंगे नोमेरिकल सेशन एक दिन चलाएंगे स्पेशल जिसमें यूनिट फोर और यूनिट फाइव का दो नोमरिकल करवाएंगे बस कहानी खत्म ठीक है ना आप टेंशन नहीं लीजिए ए साहब ठीक है ना शशि कुमार सर लैपटॉप में लाइव क्लास नहीं चलता है नहीं चलता है तो आप यूट्यूब से देख लीजिए लैपटॉप में ठीक है चलिए यहाँ देख लेते हैं पिछला क्लास वाला सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा जो कुछ उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया कह रहे हैं आई एम बहुत सही है ओल्ड स्टूडेंट बोल रहे हैं सही है देखिए आज का सेशन जो रहेगा वो लेवलिंग का रहेगा पूरा का पूरा सेशन और इसमें हम लोग पूरा थियोरेटिकल पैटर्न को समझेंगे कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगा उसको समझेंगे साथ ही साथ लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे जितना आपके सेमेस्टर में पॉसिबल हो पाएगा वो सारा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और लिमिटेड ऑब्जेक्टिव यहां से देते हैं और उसमें से ही आएगा चांस मैक्सिमम होगा स्टार्ट कर देते बहुत सही चलिए हाँ क्वेश्चंस जरूर होगा ठीक है ना हाँ देखिए लेबलिंग और कंटूरिंग आपके साथ में सिलेबस दिया गया है तो हम एक दिन का अलग समय लेंगे कंटूरिंग और एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए ठीक है ना तो आप अक बका, अक बका करके सिलेबस खत्म नहीं अराम -अराम करेंगे आराम आराम से चीजों को रिविजन करेंगे ठीक है ना देखिए लेबलिंग का मतलब थोड़ा सा हम समझाते हैं और उसके बाद हम लोग टॉपिक के ऊपर जंप करेंगे ठीक है देखिए लेबलिंग क्या होता है कि वर्टिकल प्लेन में हम लोग क्या करते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ठीक है ना लेवलिंग किस प्लेन में तो सबसे पहले प्लेन की बात आती है तो हम लोग बात करते हैं कौन प्लेन में तो सर वर्टिकल प्लेन में वर्टिकल प्लेन में जो भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन उसको हम लोग बोलते हैं लेवलिंग तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में लेवलिंग में क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इसको समझेंगे थोड़ा सा ठीक है हाँ देखिए सबसे पहले हमारे ये ग्राउंड है ठीक है ना ये हमारा क्या है ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर कोई भी पॉइंट है कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से रहता है एक एक चीज़ को एक काम करिए अभी सारे लोग कमेंट करना थोड़ा बंद कर दीजिएगा ठीक है और उसके बाद यहाँ पे दोनों जगह पर कमेंट अभी बंद कर दीजिए सेशन को सिर्फ शेयर कर दीजिए सारे जगह पर ठीक है हाँ चलिए कमेंट को थोड़ा बंद कर दीजिए अभी आप लोग सही है तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सपोज करिए कि ये क्या है अर्थ सरफेस है ये अर्थ सरफेस है ठीक है ना हाँ और अर्थ पर कोई भी एक पॉइंट है सपोज करिए कोई भी पॉइंट यहां पे है या इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं ठीक है ना ऑब्जेक्ट क्या आप ही खड़ा हो ठीक है ना अब जरा बताओ इसकी हाइट कहां से कितना होगा ये चीज बताएंगे तो यहां यहां पे हम लोग बताएंगे रिलेटिव रिलेटिव हाइट पता करते हैं इसी को प्रेम से बोलेंगे रिलेटिव एलिवेशन बोलेंगे या बोलेंगे रिलेटिव एल्टीट्यूड बोलो जो भी मन करता है वर्टिकल से रिलेटेड बोलते रहो ठीक है ना रिलेटिव कहने का मतलब बार बार हम ये टर्म स्टार्टिंग में बोले थे रिलेटिव का मतलब वो बताए थे मेजर विथ रिस्पेक्ट टू अदर किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में जो मेजरमेंट करेंगे ना उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव चलिए बहुत सही सारे लोग को सर भूल गया क्या भूल गया डाटा मिसिंग वाला क्या डाटा मिसिंग लोकल अट्रैक्शन नहीं बताए थे अच्छा लोकल अट्रैक्शन सारा कुछ होगा अभी फिलहाल लेवलिंग के बारे में सोचिए ठीक है, है हाँ अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या करते थे हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम लोग सीधा सीधे टॉपिक ऊपर आएंगे हम लोग देखे थे कि समुंदर में सपोज करिए कि समुंदर है ठीक है ना तो समुंदर में उठने वाला जो टाइड होता था उस टाइड का एवरेज लेते थे कितना का तो सारे लोग कमेंट करके बोलेंगे जो टाइड का एवरेज लेते थे वो नाइन्टीन ईयर नाइनटीन ईयर का एवरेज टाइड का हाइट लेते थे ठीक है ना हाँ और उससे हम लोग को अगर ऐसा बोलेंगे कि अगर ये समुंदर है तो समुद्र में इस तरह से लहर या तरंग उठता है कि नहीं कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम तो हम लोग क्या करते हैं एक एवरेज मानते हैं क्या करते हैं एक एवरेज मानते हैं और उसी एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं वही एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं इस एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं इसी एवरेज को हम लोग बोलते हैं सारे लोग बोलेंगे मीन सी लेवल ठीक है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मीन सी लेवल बोलते हैं ठीक है अब जरा बताओ मीन सी लेवल कहते चीज को समझने की कोशिश करोगे तो 19 ईयर का एवरेज रिकॉर्डेड जो थी रिकॉर्डेड जो हाइट होता है टाइड का उसी को हम लोग बोलते हैं उसी से जो लेवल हम लोग को मिलता है उसको बोलेंगे मीन और ये चीज कहाँ देख रहे हैं तो सर समुंदर के टाइड से इसीलिए सी और लेवल ठीक है ना जो ऊपर नीचे जो टाइड होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं मीन सी लेवल चीज़ों को सही है अभी थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है ना हाँ देखो ये जो मीन सी लेवल दो बातें होती है एक आज़ादी के पहले और एक आज़ादी के बाद तो आज़ादी के पहले की अगर बात करा जाए तो कराची में लेते थे कहाँ पर लेते थे कराची में लेते थे और आज़ादी के बाद जो हम लोग लेते थे वो कहाँ पे तो सर अपन इंडिया में लेते थे मुंबई से कहाँ से ठीक है ना तो मुंबई से हम लोग लेते हैं तो मीन सी लेवल का जो लेते हैं सबसे पहला ए, रेफरेंस वो कहाँ से लेते हैं मुंबई से लेते हैं चलो बहुत बढ़िया आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद आप लोग याद रखिएगा हम लोग जो भी बात करेंगे आज़ादी की बात चूँकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कहाँ पर तो आज़ादी के बाद कर रहे हैं ठीक है ना हाँ बहुत सही जवाब सारे लोग आ रहा है अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड करेंगे अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी के ऊपर ला करके कोई एक हम लोग मानते हैं अर्थ पर इक्वी पोटेंशियल सर्फेस बनाते हैं क्या बनाते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेस बनाते हैं ये आपको क्या हुआ इक्वी पोटेंशियल सर्फेस हुआ इसको हम लोग क्या बनाते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेस और यहां से जो लाइन बनेगा उसको बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल लाइन और इसी को प्यार से बोलते हैं लेवल लाइन ठीक है ना हाँ अब जरा बताओ यही इक्वीपोटेंशियल लाइन पर हम लोग यहाँ से यहाँ जो हाइट मेजरमेंट करते हैं यहां से जो यहाँ हाइट मेजरमेंट करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन क्या बोलते हैं एलिवेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं एलिवेशन बोलते हैं क्या हैं? बोलते हैं एलिवेशन बोलते हैं ठीक है ना हाँ और इस अर्थ के ऊपर या नीचे कहीं पे हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस लेवल क्या बोलते हैं रिड्यूस लेवल तो तीन टर्म को अभी हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं और तीनों ही टर्म आपको बहुत आराम से समझने की कोशिश करना एक होता है मीन सी लेवल एम एस एल याद रखिएगा यहां से एक ऑब्जेक्टिव कन्फर्म आएगा मीन सी लेवल क्या होता है तो सर एवरेज 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 हाइट ऑफ हाइट ऑफ टाइड होता है ठीक है ना हाँ अगर मीन सी लेवल को रेफरेंस के जैसा यूज करेंगे रेफरेंस के जैसा यूज करेंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं मीन सी लेवल को जब रेफरेंस के जैसा यूज करते तो क्या बोलते हैं बाबू जरा बताओगे सारे लोग मीन सी लेवल को जब हम लोग रेफरेंस के जैसा यूज करते हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं सारे लोग बताएंगे चलो मीनसी लेवल को रेफरेंस के जैसा यूज करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं थोड़ा कमेंट कर दो बहुत सही जवाब उसको हम लोग बोलते हैं डट्टम क्या बोलते हैं डट्टम ठीक है ना हाँ एक होता है रिड्यूस लेवल जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं आर एल और इतना बार कैलकुलेट किए ना गुस्सा आता है इसलिए इसको बोलते हैं आर एलवा यानी हम लोग आरएल्स फाइंड करते हैं हर एक चीज को तो आर एल्स क्या होता है तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मीन सी लेवल से मीन सी लेवल से जहां पे आप लोग को हाइट पता करना है किसी ऑब्जेक्ट का या किसी भी थिंग्स का या सर्वे में कोई भी जगह का तो उसको हम लोग बोलते हैं मीन सी लेवल ठीक है ना हाँ मीन सी लेवल से जो पता करते हैं यानी एम एस एल से जो पता करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस लेवल आर एल ठीक है ना हाँ तो इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा जनरली हम बात को स्थान से समझने की कोशिश करोगे जनरली हम लोग जो बात करते हैं वो ऑन दी ग्राउंड ऑन दी क्या बात करते हैं ग्राउंड ग्राउंड सरफेस पर जो भी चीज आपको जितना हाइट रहेगा मीन सी लेवल से उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो लेवल क्या बोलते हैं बाबू रेडियो लेवल ठीक है ना हाँ हम लोग हमेशा बात करेंगे ग्राउंड सरफेस पर हम लोग कहां पे बात करेंगे ग्राउंड के सरफेस पर अर्थ के सरफेस पर जो भी लेवलिंग में हम लोग यहां पढ़ेंगे वो अर्थ के सरफेस पर पढ़ेंगे ठीक है हाँ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यानी डटम समझ आया एम एस एल समझ आया डेटम ड़, समझ आया ठीक है ना और क्या समझ आया और सर आर एल समझ आया ये तीन बात समझ आता है तब हम लोग क्या करते हैं ग्राउंड के ऊपर शिफ्ट करते हैं बहुत सही चलिए तो हम लोग तीन बात समझ आया ये चीज को कभी नहीं भूलेंगे और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को करना क्या होता है तो ये ग्राउंड है ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर क्या होता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग पॉइंट का क्या पता करना होता है तो सर ई वाला पॉइंट को मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में यानी सीधा सीधी अगर इसको रेफरेंस का यूज़ करेंगे तो इसी को प्यार से बोलते हैं डटम के रिस्पेक्ट में इसका आपको क्या पता करना है तो सर इसका अब हम लोग क्या बोलेंगे तो सर आर एल्स बोलेंगे क्या बोलेंगे आर एल्स बोलेंगे रिड्यूस लेवल बोलेंगे अगर इसका आर एल वन बोले तो इसका क्या बोलेंगे आर एल टू बोलेंगे आर एल टू बोलेंगे यहाँ इसको क्या बोलेंगे आर एल थ्री बोलेंगे आप क्या देख रहे हैं सर कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट का अलग अलग पॉइंट का एक तरह से हाइट है क्या है हाइट है लेकिन वही हाइट को अगर लेवल से मेजरमेंट कर तो चीजें तो तो आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो सर हमें पहला तो रिक्वायरमेंट होगी हमें पहला रिक्वायरमेंट होगी इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है ना हाँ और दूसरा किस चीज़ के लिए यानी टारगेट की रिक्वायरमेंट होगी कहाँ पे हम लोग को सर्वे करना है ये चीज़ें आपको समझ आना चाहिए कि पहला बात तो हमको इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और दूसरा बात हमको टारगेट की रिक्वायरमेंट होगी कहाँ पे हम लोग को सर्वे करना है चीज़ें क्लियर है चलो बहुत बढ़िया ठीक है तो इंस्ट्रूमेंट में हम लोग यहाँ पे मेजर रूप से अगर बात करेंगे तो दो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एक होता है लेवल इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं लेवल इंस्ट्रूमेंट और एक को बोलते हैं लेवलिंग लेवलिंग अस्टाप यही दो चीज़ आपको यहां पे रिक्वायरमेंट होगी लेवल इंस्ट्रूमेंट को प्यार से हम लोग बोलते हैं डम्पी लेवल क्या बोलते हैं डम्पी लेवल हालांकि डम्पी लेवल आवे के पहले भी बहुत सारे कहानी हम लेक्चर में कहे हैं उसकी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डम्पी लेवल के बारे में जानेंगे और डम्पी लेवल के बारे में खूब एनालिसिस करना है और भी रिवीजन में भी करेंगे क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव कन्फर्म होता है ठीक है ना लेवलिंग स्टाफ से कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा करता था लेकिन एक बार पूछा है और चालू कर दिया है तो उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा पूछने मतलब अल्टरनेट पर पूछे जाने की चांस रह, रहेगा इसीलिए इसको भी पूरा क्लियर करेंगे ठीक है ना तो ये दो मेजर इंस्ट्रूमेंट को हमको जानना बहुत जरूरी होता है और यही दोनों इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग जो भी टारगेट दिया गया है उस टारगेट का हम लोग क्या पता करेंगे तो सर रिड्यूस लेवल करेंगे पता ठीक है हाँ चीज़ें क्या सीखें तो सर इंस्ट्रूमेंट के मदद से और लेवलिंग स्टाफ के मदद से हम लोग क्या करेंगे जो टारगेट है उस टारगेट का रिड्यूस लेवल पता करेंगे दैट मीन्स मीन सी लेवल से हाइट पता करेंगे मीन सी लेवल से एलिवेशन पता करेंगे उस जगह का जहाँ पे आपकी टारगेट है ठीक है ना कोई बोल चाल की भाषा में बोल दिया जाएगा कि पटना की हाइट कितना है पटना का रिड्यूस लेवल कितना है तो कहाँ से बताओगे तो सर हम कहीं से नहीं बता पाएंगे हम एक ही चीज़ जानते हैं कि मीन सी लेवल से बताएंगे डटम से बताएंगे ठीक है हाँ बहुत सही जवाब क्लियर है चलो अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेनली मेनली वो है डम्पी लेवल इसको पेज चेंज कर देते हैं हम लोग पूरा का पूरा फोकस करते हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बात करते हैं बाबू डम्पी लेवल की डम्पी लेवल ठीक है ना डम्पी लेवल इसी को प्यार से बोलते हैं लेवल इंस्ट्रूमेंट यहां पे बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज करता है क्या लेवल इंस्ट्रूमेंट का ही डंपी लेवल कहते हैं नहीं ये जो लेवल इंस्ट्रूमेंट है ना इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं लेवलिंग करने के लिए उसमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं लेवलिंग करने के लिए वो हो गया डंपी लेवल आगे चल के जाओगे तो लेवल इंस्ट्रूमेंट में थियोडोलाइट आ जाएगा आगे जाओगे तो और भी अलग अलग, अलग इंस्ट्रूमेंट आएगा थियोटोलाइट के भी अलग अलग जो वर्जन है अपडेटेड वर्जन वो आएगा लेकिन यहाँ पे लेवल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को यहाँ पे क्या समझना है तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ समझना है डम्पी लेवल सर तो डम्पी लेवल के बारे में हम फिगर बताएंगे और वहां से ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे ठीक है ना हाँ अब जरा बताओ डंपी लेवल में हम नीचे से चलना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ऊपर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे ठीक है ना हाँ देखो सबसे अगर निचला हिस्सा की बात करोगे डम्पी लेवल के तो निचला हिस्सा में सबसे पहले क्या था तो सर निचला हिस्सा में हम लोग को ठीक है ना निचला हिस्सा में जो हम लोग को था ठीक है ना निचला हिस्सा में यहां से यहां तक ई यह वाला हिस्सा को बोलते थे लेबलिंग हेड क्या बोलते थे लेबलिंग हेड याद आ रहा है सर यस सर लेबलिंग हेड बोलते थे और ऊपर वाला प्लेट को अपर प्लेट बोलते थे अपर प्लेट बोलते थे एकदम एक एक चीज को समझने की कोशिश करोगे और नीचे वाला प्लेट को बोलते थे लोअर प्लेट ठीक है ना एक एक चीज को समझेंगे ऊपर वाला प्लेट को बोलते थे अपर प्लेट और नीचे वाला प्लेट को बोलते थे लोअर प्लेट ठीक है ना हाँ दोनों के बीच में रहता था स्क्रू क्या रहता था स्क्रू यहां पे दोनों के बीच में रहता था स्क्रू और यहाँ पे नीचे रहता था इसीलिए इसको बोलते हैं फुट स्क्रू क्या बोलते हैं फूट स्क्रू और यहाँ पे इसको लेवलिंग करने के लिए यूज करते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं लेवलिंग स्क्रू कोई कमेंट अभी नहीं करेगा ठीक है ना हाँ वाला प्लेट को बोलते थे ट्राई ट्राइबराज और नीचे वाला प्लेट को बोलते थे ट्राई ट्राइबेट ठीक है ना हाँ उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते थे यहाँ के थोड़ा सा ऊपर जाते थे ऊपर जाने के बाद हम लोग क्या करते थे आगे बढ़ते थे ठीक है ना हाँ और ऊपर आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या देखने को मिलता था तो सर हम लोग को यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता था और इसी के बीच में हम लोग को देखो कभी कभी क्या देखने को मिलता था कंपास भी देखने को मिलता था लेकिन हम लोग यहाँ कंपास के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे जो भी कंपास के बारे में आएगा ना हम लोग समझ जाएंगे कि बियरिंग को मेजरमेंट करने के लिए कंपास का यूज करते हैं ये चीज़ें पिछला क्लास से हम लोग को क्लियर है ठीक है ना तो यहां पे इतना के बाद आप लोग को मिलता था यहाँ पे स्पिंडल या क्या मिलता था साफ्ट बोलते थे या अस्पिंडल बोलते थे, ठीक है ना? हाँ, और इस स्पिंडल के मदद से यहाँ पे कुछ रहता था एक चीज रहता था जिसका नाम है यहां पे बबल ट्यूब बबल ट्यूब और इस बबल ट्यूब को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रहता था इस तरह से ठीक है ना चीजों को थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग समझिएगा ठीक है ना हाँ देखिए यहां पे एक बबल ट्यूब रहता था जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं स्प्रीट बबल स्प्रीट बबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो लिक्विड रहता है लिक्विड जो भरा हुआ रहता है वो किस चीज का रहता है तो सर स्प्रीट का भरा हुआ रहता है स्प्रीट जनरली भराता है सर स्प्रीट की जगह पर हम पानी भर देंगे तब कहा होगा कोई लॉजिक ऐसा हो सकता है ना कि सर स्पीड स्प्रीड की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे अगर पानी भर देंगे तब तो क्या होगा बहुत सही है ठीक है ना हाँ बहुत सही जब आप स्पीड की जगह पर अगर हम लोग पानी भर देंगे तब तो पता है क्या होगा कि अगर ठंडा के क्षेत्र में जाओगे ना उसको अथी करने के लिए उससे मेजरमेंट करने के लिए तो वो चीजें जम जाएगा ठीक है ना गर्मी के दिन में भैपर बन के तो उड़ेगा नहीं चूंकि पूरी तरह सील रहता है लेकिन गर्मी के दिन में भैपर बन के थी बर्फ बन के आइस बन के जम जाएगा तो यहाँ पे बबल ट्यूब में बुलबुलवा इधर उधर होना चाहिए तो नहीं होगा तो हमारा एग्जैक्ट लेवलिंग नहीं हो पाएगा ठीक है ना उसके ऊपर जो आते थे इस वाले इंस्ट्रूमेंट को बोलते थे हम लोग बोलते थे बहुत आसानी से सारे लोग इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएंगे। और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम था जिसको हम लोग बोलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को नाम हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप ठीक है ना हाँ और टेलीस्कोप को फोकसिंग करने के लिए एक स्क्रू यहां पर लगाया था जिसको बोलते थे फोकसिंग ठीक है ना एक स्क्रू यहां पे भी रहता था देखो इसके आगे वाला को बोलते थे हम लोग क्या आगे वाला को बोलते थे ऑब्जेक्टिव आगे वाला कहने का मतलब सर तो जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा जिधर स्टाफ रहेगा हम लोग को ऑब्जेक्ट नहीं देखना है लेवलिंग स्टाफ को देखना है। लेवलिंग स्टाफ ठीक है ना जिस साइड में आपकी लेवलिंग स्टाफ रहेगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव और इधर रहेगा इसको बोलेंगे आईपीस ठीक है ना चीजें समझ आया और यहां पे जो आईपीस के जस्ट आगे रहता है वहां पे रहता था डायाफ्राम ठीक है ना हाँ मोटा मोटी चीजें को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे एक बात आता है डायाफ्राम की तो इसको हम थोड़ा छोटा करके डायाफ्राम यहीं पर समझाने की कोशिश करते हैं सारे लोग बोलेंगे डायफ्राम जो होता है डायफ्राम जो होता है वो कैसा होता है तो इस तरह से होता है सर्कुलर बना हुआ रहता है और इसमें क्या रहता है हॉर्स हेयर इसमें लगाया हुआ रहता है अरे अरे ठीक है ना इस तरह से हॉर्स हेयर लगाया रहता है ठीक है ना देखिए इसको बोलते हैं हॉर्स का बना हुआ है, हॉर्स का जो घोड़ा का जो बाल होता है ना सबसे लंबा उसी का यूज करते हैं क्योंकि मजबूत होता था लेकिन अब प्लेटिनम बायर का इस वजह पर यूज करते हैं ठीक है ना हेयर रहता था किसका ठीक है ना और ये क्रॉस रहता था एक दूसरे को इसीलिए इसको प्यार से कभी कभी बोलते हैं क्रॉस हेयर क्रॉस हेयर तो आपसे पूछेगा बताओ क्रॉस हेयर किस चीज़ का बना होता है तो हॉर्स हेयर का या बोल सकते हो प्लेटनम वायर का प्लेटिनम वायर का बना होता है ये सारे चीज़ें इन्फॉर्मेटिव है जिसको हम लोग समझ पाएंगे ठीक है हाँ डायाफ्राम अच्छा डायाफ्राम है कहाँ पे तो सर आई के आई के क्या है तो सर आई के नज़दीक है यानी हम बोलेंगे इसकी जो लोकेशन होती है इसकी जो लोकेशन होती है किसकी लोकेशन सर तो डायाफ्राम की जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है तो सर नियर द आईपीस पीस आईपीस के नजदीक होता है और दूसरा क्या बोलेंगे सर आईपीस के जस्ट आगे रहता है यानी फ्रंट फ्रंट ऑफ द आईपीस e -E -E ठीक है ना हाँ तो ये दो चीज इसकी लोकेशन पर क्वेश्चंस खूब पूछ जाते हैं जिसके बारे में जानना है डायफ्राम के बारे में जाननी टेलीस्कोप में सामने वाला को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव यहां पे बोलते हैं आईपीस देखो एक क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है कि अगर ये जो ऑब्जेक्टिव ग्लास है ऑब्जेक्टिव ग्लास को फोकसिंग करने के लिए ये वाला रहेगा और हम लोग क्या करते थे कि जैसे कि पहले वो तो प्रोसीजर में भी तुरंत बता देंगे ठीक है इतना आपको इंफॉर्मेशन जानना था अगर लेवलिंग स्टाफ की बात करेंगे लेवलिंग स्टाफ की लेवलिंग स्टाफ की तो लेवलिंग स्टाफ चार तरह के आप लोग जनरली पढ़े होंगे एक सोलिड सोलिड लेवलिंग स्टाफ और एक पढ़े होंगे फोल्डिंग लेवलिंग स्टाफ एक चीज और कोई भी नोट्स कॉपी सामने खोल के नहीं रखेगा सारा लोग यहीं पे देखेंगे ठीक है ना जब क्लास एंड हो जाएगा तो सारा लोग नोट्स कॉपी खोल करके देख लेंगे क्या सही चीज है क्या गलत चीज है कितना चीज हमको संभाल कर रखना कितना चीज छोड़ना है ठीक है? फिलहाल अभी पूरा का पूरा फोकस यहां पे करोगे ताकि आपकी माइंड जो रहेगा इंटरेक्टेड रहेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा लाइव क्लास करने का को, कोई मतलब नहीं रहता ठीक है हाँ चलिए अब यहां पे देखिए फोल्डिंग होता है उसके बाद हम लोग टेलीस्कोपिक टेलीस्कोपिक लेवलिंग स्टाफ ठीक है ना और एक होता है टारगेट देखो आपको यहाँ से पूछा क्या जाएगा इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो ये जो लेवलिंग स्टाफ जो होता है ना ये जो लेवलिंग स्टाफ ये सॉलिड लेवलिंग स्टाफ जो होता है ना पूरी तरह से उसको मतलब एक सॉलिड मटेरियल का बना होता है सॉलिड कहने का मतलब सारा तो सॉलिड मटेरियल का रहेगा मतलब होलो नहीं रहेगा यहाँ पे सॉलिड कहने का सेंस हुआ कि होलो नहीं रहेगा ठीक है ना सब कुछ पूरा भरा भरा रहेगा ठीक है फोल्डिंग कहने का मतलब उसको बीच से फोल्ड किया जा सकता है टेलीस्कोपिक कहने का मतलब जो रेडियो का एरियल देखते थे ना खींच करके लंबा कर देते थे उसको दबा करके छोटा कर देते थे तो उसी टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं टेलीस्कोपिक मतलब एक के अंदर दूसरे घुस जाएगा दूसरे के अंदर तीसरे घुस जाएगा तीसरे के अंदर चौथे घुस जाएगा ऐसा अरेंजमेंट को बोलेंगे टेलीस्कोपिक ठीक है हाँ और टारगेट यहां पे पूछ है कि इसका एक अलग यूनिक है इसमें वर्नियर लगा होता है वर् वर्नियर लगा होता है किसके लिए तो सर रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए रीडिंग लेने के लिए फॉर टेकिंग रीडिंग या फॉर ऑब्जर्विंग रीडिंग ठीक है ना हाँ एक चीज और समझिएगा कि जो टारगेट स्टाफ होता है ना ये कहां पे यूज करेंगे तो बहुत दूर तक सर्वे कर रहे होते ना तो वहाँ पे क्या होता है कि फ्रैक्शन पार्ट वाला जो ए, डायमेंशन होता है उसको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो यही चीज़ को या उसको ऑब्जर्व करने में थोड़ा दिक्कत होता है तो उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं भर्नीयर लगा देते हैं टारगेट भर्नियर ताकि हमारा रीडिंग क्लियर क्लियर ऑब्जर्व हो पाए तो याद रखिएगा टारगेट भर्नियर में भर्नीयर टारगेट लेवलिंग स्टाफ में एक भर्नीयर रहता है और ये हम लोग यूज करते हैं दूर वाले वस्तु को दूर वाले वस्तु को रिड्यूस लेवल पता करने के लिए इस लेवलिंग स्टाफ का यूज करते हैं ठीक है ना चलो उम्मीद है दे सकते हैं एग्जाम में फिगर भी आएगा चलो फिगर भी आएगा अभी तक तो आया नहीं है भविष्य में हम बता नहीं सकते हैं ठीक है ना हाँ तो अभी तक इसकी लेवलिंग का या डम्पी लेवल का अभी तक फिगर नहीं आया है इसकी प्रोसीजर और एक कंपोनेंटे इतना बन जाता है कि उसको पूछेगा फुर्सते नहीं मिलता ठीक है हाँ तो इतने सारे ऑल अबाउट एग्जाम तक तो एटलीस्ट संभाल के रखना है देखिए यहाँ पे हम लोग को बबल ट्यूब का काम समझना है कि बबल ट्यूब का काम क्या होता है सारे चीज़ का जितना भी कंपोनेंट पढ़ें सबका नाम धीरे धीरे जानते हैं ठीक है ना पहला हम लोग जानते हैं लेवलिंग हेड का लेवलिंग हेड ज़रा बताओ लेवलिंग हेड में दो चीज होते हैं एक होते हैं प्लेट होते हैं और एक होते हैं क्या होते हैं सर फूट स्क्रू होते हैं फूट स्क्रू होते हैं ठीक है ना प्लेट कितना होता है तो सर दो गो होता है फुट स्क्रू क्या होता है तो सर तीन गो होता है ठीक है ना एक चीज आपको याद रखना है उसका नाम है बबल ट्यूब ठीक है ना हाँ बबल ट्यूब होता है अच्छा लेवलिंग हेड का काम क्या होता है तो सर लेबल करने में यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंट की लेबल करने में यूज करते हैं ठीक है ना बबल ट्यूब का काम क्या होता है सर बबल ट्यूब से भी हम लोग लेवलिंग करते हैं लेकिन इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा बबल ट्यूब ऐसा रहता है इस तरह से बबल ट्यूब रहता है ठीक है ना देखो बबल ट्यूब में आप देखोगे कि लेवलिंग है कि नहीं अगर बबल ट्यूबा इधर है या इधर है तो उसको हम लोग इस वाले फुट स्क्रीवा के मदद से फुट स्क्रीवा के मदद से हम लोग क्या करते हैं घुमा घुमा करके बुलबुलवा बुल के सेंटर में लाते हैं जैसे ही बबल ट्यूब में बुलबुलवा सेंटर में आ जाएगा ना तब हम लोग समझेंगे कि लेबलिंग हो गया तो बुलबुलवा को सेंटर में लाने के लिए आपको ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है ना हाँ तो बुलबुला सेंटर में आ जाएगा तब हम लोग समझेंगे कि इंस्ट्रूमेंट हमारा पूरी तरह से हॉरिजेंटल प्लेन में आ गया वर्टिकल प्लेन में एग्जैक्टली कौनसाइड कर गया वर्टिकल एक्सिस के साथ और हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ कौनसाइड कर गया तो हम समझेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से लेवल में है ठीक है हाँ चलो सोलिड होल्डिंग टेलीस्कोप बहुत सही सब लोग का सही आ रहा है ठीक है ना उसके बाद जो मेन आता है वो आईपीस टेलीस्कोप आता है टेलीस्कोपिक में तीन पार्ट होता है एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आईपीस और एक होता है डायाफ्राम ठीक है ना ये तीन चीजें होते हैं मेरी बात को ध्यान से समझिए एक होता है ऑब्जेक्टिव एक होता है आई पीस और दूसरा होता है डाइफ्राम तो ऑब्जेक्टिव का काम होता है ये ऑब्जर्वर के साइड में नहीं रहता है ये ऑब्जेक्ट के साइड में रहता है दैट इज लेवलिंग लेवलिंग स्टाफ के साइड में रहता है डायफ्राम कहाँ रहता है तो सर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में रहता है ठीक है ना और आई पीस क्या रहता है कि ऑब्जर्वर के साइड में रहता है ऑब्जर्वर के साइड में यानी सर्वेयर सर्वेयर के साइड में रहता है तो ये तीन चीजें आपको समझना है और इतने सारे आपको काम हो गया सारे इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा थोड़ा नाम जाने और थोड़ा थोड़ा काम जाने हैं ठीक है ना अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस पर मूव करते हैं कि फील्ड एडजस्टमेंट यानी सेटिंग पर बात करते हैं सेटिंग फील्ड एडजस्टमेंट फील्ड एडजस्टमेंट या इसी को बोलते हैं टेम्प्री ठीक है ना ये चीजें आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए तो इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो ठीक है ना हाँ देखो सबसे पहले सेंटरिंग का काम सेंटरिंग का काम करता है विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब बबल ट्यूब बबल ट्यूब से सेंटरिंग का काम नहीं होता है बबल ट्यूब से लेबलिंग का काम होता है एक चीज़ हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगा बबल ट्यूब से बबल ट्यूब से क्या होता है लेवलिंग करते हैं लेवलिंग का पता चलता है और प्लम्बब plumbub से प्लम्ब बब से हम लोग क्या करते हैं सेंटरिंग करते हैं ठीक है ना अगर पलम्बर्ब छूट गया है तो उसके लिए हम वहीं वाला सराउंडिंग से कोई कंकड़ छोटा सा उठा करके उसको वर्टिकली गिरा देते हैं और उस पर गिर जाता है तो हम समझते हैं कि पूरी तरह से सेंटर में हो गया अभी तुरंत बताते हैं आप लोग टेंशन नहीं लीजिए ठीक है ना तो इसमें जो आपको सबसे पहला बात आता है कि ऑर्डर कि किस ऑर्डर में करते हैं ऑर्डर सबसे पहला पूछता है किस ऑर्डर में हम लोग टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं चलिए बहुत सही चलिए यूट्यूब वाले बच्चे आज कम जुड़ पाए हैं कहाँ घूम रहे हैं सारे लोग ठीक है ना बरसात का मौसम मज़ा ले रहे हैं सर ठीक है ना ऑर्डर देखिए तो सबसे पहला जो ऑर्डर है इसके बारे में समझ लो कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं देखो सबसे पहले हम लोग साइड सिलेक्शन करते हैं कहाँ पे हम लोग को लेबलिंग करना है तो उस जगह पर हम लोग पॉइंट को मार्क करते हैं और वहाँ पे क्या डाल लगा देते हैं तो सर वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं पेग क्या लगाते हैं पेग याद रखिएगा वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं पेग जिसको बोलते हैं हिंदी में खूटी क्या लगाते हैं है? खूटी ठीक है खूंटी अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं ट्रिपोर्ड को रखते हैं क्या करते है? हैं ट्रिपोड को रखते हैं ये हमारा क्या है टेढ़ा ट्रिपोर्ड है आपके जो कॉलेज से मिलेगा वो बहुत अच्छा ट्रिपोर्ड मिलेगा ठीक है ना इस ट्रिपोर्ड के हम लोग क्या करते हैं इस पर पैर लगा करके इसको धंसा देते हैं जमीन में इसको क्या करते हैं जमीन में धंसा देते हैं पैरवा रख रख करके अब बिहारी पूरा जोर से दबा देगा तो टूट ही हो सकता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना ठीक है ना उसके बाद यहाँ पे क्या रहता है कि एक पोलम्बो से लटकाते हैं लटका कर थोड़ा बहुत टेम्पररी सेंटरिंग उन्टरिंग करते हैं अभी फिलहाल ठीक है ना उसके बाद इसके ऊपर क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं इसके ऊपर हम लोग क्या रखते हैं सर इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं देखो इंस्ट्रूमेंट को हम सीधा सीधी अपने अंदाज में रख रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं इस तरह से रखते हैं ठीक है ना इस तरह से इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं ठीक है ना ये आपके इंस्ट्रूमेंट है देखो ये इंस्ट्रूमेंट है ये मान लो कहीं पे बबल ट्यूब है ठीक है ना इसके ऊपर भी एक बबल रहता है तो उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड बबल वो भी टेंशन नहीं लेना अल्टी अल्टीट्यूड अल्टी बबल ठीक है ना अल्टीट्यूड बबल जो सबसे ऊपर आता है ना उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड बबल ठीक है और इसको बोलते हैं बबल ट्यूब एक चीज यहां पे आप लोग को सीखना है कि कैसे कैसे हम लोग सेटिंग करते हैं तो पहला काम जो हम लोग करते हैं वो सेंटरिंग वाला काम करते हैं पहला काम क्या करते हैं सेंट्रिंग। और सेंट्रिंग जो करते हैं वो का पलम्ब से करते हैं, हैं। ठीक है ना पलम्ब को लटका करके इधर उधर देखते हैं एग्जैक्टली पलम्ब एग्जैक्टली अगर पलम्बोब आपकी यहाँ पे इस तरह से गिर जाएगा इसके ऊपर तो हम समझेंगे कि ये पूरी तरह से सेंटरिंग में हो गया सेंटरिंग कहने का मतलब एक्जैक्टली उसी पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट सेट हुआ है जहाँ का रिड्यूस लेवल पता करने के लिए आप सोच रहे हो या जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करना चाह रहे हो ठीक है ना हाँ तो सेंटरिंग आपको दो जगह पर करना होता है एक इंस्ट्रूमेंट की जगह पर और दूसरा स्टाफ की जगह पर दोनों के जगह पर भी हम लोग सेंटरिंग करते हैं तो हम लोग को सेंट्री की जब कभी भी बात आएगा तो हम लोग लो यहाँ पे बात करें कि इंस्ट्रूमेंट के जगह पर सेंट्र... सेंट्रिंग कर रहे हैं मतलब इंस्ट्रूमेंट के उस स्टेशन पर एग्जैक्टली रख रहे हैं जहाँ पे हमको इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग करना है ठीक है सेटिंग करने का मतलब उसको तैयार करना है रीडिंग लेने के लिए कहा करने के लिए रीडिंग लेने के लिए तैयार करना ही क्या कहलाता है सेंटरिंग कहलाता सॉरी सेटिंग कहलाता है ठीक है ना हाँ चलो दूसरा स्टेप होता है सेंटरिंग के बाद तुरंत होता है लेवलिंग क्या बोलते हैं लेवलिंग और लेवलिंग जो हम लोग डन करते हैं वो कांची से करते हैं फुट स्क्रू के मदद से फुट स्क्रू के मदद से सर सेंटरिंग और कैसे करते हैं तो देखो ये वाला जो होता है ना ये लेग इसको बोलते हैं ट्राईपोड का लेग लेग ऑफ ट्राइपोड ट्राइपोड ट्राईपोडवा के लेग को थोड़ा सा आगे पीछे से फैला उला करके देख लेते हैं और हम लोग को कहानी कंप्लीट हो जाता है तो दो तरीके से कभी कभी जब ऑब्जेक्टिव पूछता है ना तब तो फंस जाता है तो सेंटरिंग तो प्लम्बम से डन करते ही है कभी कभी लेगवा को आगे पीछे कर करके आ, ऐसे कर कर के ऐसे कर कर के हम लोग सेंटरिंग कर लेते हैं ठीक है ना हाँ अब जरा बताओ यहाँ तक समझ आया फुट फूट, फूट स्क्रू ठीक है ना फूट स्क्रू की मदद से ठीक है ना और इस चीज़ देखा किस में जाता है कि सही हो गया कि नहीं तो वही चीज़ आपको दिखा जाता है बबल ट्यूब में बबल ट्यूब में बबल ट्यूब में कैसे पता चलेगा कि लेबलिंग हो गया तो बबल किस में आएगा बबल की पोजीशन जो रहेगा इन सेंटर में आ जाएगा बबल इन सेंटर में तब हम लोग समझेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट लेबल हो गया लेवल जैसे ही हो जाएगा तब हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स देखिए एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स किसको कहते हैं इसी को समझिएगा एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स किसको कहते हैं इसी को समझने की कोशिश करिएगा देखिए जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से तो वो चीज़ें सामने वाला क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है इसका मतलब दो बातें पहला बात तो आपकी ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होगा दूसरा बात की आपको आईपीस में दिक्कत होगा दोनों ही जगह पर दिक्कत होगा तो वो आगे वाला चीजें क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा और तीसरा बात आपकी देखने वाला जो आप जिससे देख रहे आंख है वो उसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो ऐसा मान के चल रहा है कि आपकी आंख सही है तो हम दो जगह पर दिक्कत समझ सकते हैं एक आईपीस में दिक्कत होगा दूसरा ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होगा तो दोनों जगह पर हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं ठीक है ना तो यही चीज को जो चीज़ें डिफेक्ट है किस में तो सर आई टेलीस्कोप में जो डिफेक्ट होता है आई और ऑब्जेक्टिव में उसी को जो दूर करते हैं उसी को बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स पैरालेक्स क्या है एक डिफेक्ट होता है ठीक है ना हाँ तो पैरालेक्स आप लोग को समझ आना चाहिए कि ये एक डिफेक्ट है किसका डिफेक्ट है सर डायरेक्ट हम दम अप्रोच कर रहे हैं इसका सर टेलीस्कोप का ठीक है ना हाँ तो दोनों चीज को हम बड़े आसानी से दूर करते हैं तो अगला स्टेप होता है एलिमिनेशन ऑफ पैरालिक्स ठीक है ना और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं रीडिंग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं टेकिंग रीडिंग ठीक है ना हाँ तो ये चीजें आपको समझना है कि सबसे पहले सेंटरिंग करते हैं उसके बाद लेवलिंग करते हैं उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स करते हैं और जब हम समझते हैं कि पूरी तरह से आपके इंस्ट्रूमेंट तैयार हो गया पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट तैयार कर दिए तब ये चीज़ें से आप रीडिंग लोगे तब आपकी रीडिंग सही ले आएगा यानी यहाँ पे आपकी ये स्टाफ रख देंगे और इस स्टाफ से तैयार होने के बाद यहाँ से आप क्या करोगे देखोगे तो सारा रीडिंग जो यहाँ से ऑब्जर्व होंगे यहाँ से जो रीडिंग आपकी ऑब्जर्व होंगे वो रीडिंग आपको यहाँ पर कहलाएगा कि इतना मीटर की रीडिंग हुआ मान लिया जाए कि यहाँ पर थ्री मीटर थ्री पॉइंट फाइव मीटर की रीडिंग पर कटा तो बोलेंगे कि सर यहाँ पे थ्री पॉइंट फाइव लेवल ये जो इंस्ट्रूमेंट पर दिखाई पड़ा और यही की रीडिंग होता है ये जो रीडिंग होता है वो कहां पे दिख रहे हैं तो सर अस्टाफ की और यही चीज को आप कहां पे करोगे तो सर लेवल बुक में लेवल बुक में रिकॉर्ड करोगे तो याद करोगे जब यहां से देखोगे तो यहां पे जो भी रीडिंग होगा वही रीडिंग को आप कहाँ पे लिखोगे तो सर लेवल बुक में लिखेंगे ठीक है उम्मीद है चीजों को इतना समझ आना चाहिए और आया भी होगा एक बार आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेटिंग करने में करते क्या है तो इंस्ट्रूमेंट को तैयार करते हैं रीडिंग लेने के लिए उसमें पहला स्टेप क्या करते हैं तो सेंटरिंग करते हैं बाद में क्या करते हैं लेबलिंग करते हैं उसके बाद क्या करते हैं तो सर एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स करते हैं और एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स किस प्रोसेस से करते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं फोक्सिंग उस प्रोसेस को, को बोलते हैं फोक्सिंग याद रखिएगा एलिमिनेशन ऑफ जो पैरलेक्स करते हैं वो फोक्सिंग प्रोसेस से करते हैं और फोक्सिंग में दो चीज़ आता है एक आई पी का और दूसरा ऑब्जेक्टिव ग्लास का दोनों का ही करते हैं इतने चीज़ें आपको समझ आया और उम्मीद है कि आपकी सेटिंग करने के लिए आया होगा और यहाँ से आपके पूछता है कि टम्प्ररी एडजस्टमेंट ऑफ डम्पी लेवल के बारे में बताइए और ये चीज़ें आपको छः मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है तो इस चीज़ को आप हल्के में नहीं लेंगे मोटा मोटी आप बात याद देखेंगे सेंटरिंग लेवलिंग और एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स जो फोक्सिंग प्रोसेस से डन करेंगे ठीक है उम्मीद है आप लोग को समझ आया कि नहीं रिकॉर्ड इन लेवल बुक बहुत बढ़िया चलिए बहुत सही है प्लम्बब सहुल चलिए भूपेश जी पेग खूटा खूटी सही बोल रहे हैं आप लोग बहुत बढ़िया ट्राई ब्राच एंड ट्राई ट्राइब्रेबे ठीक है मोटा मोटी बात हम लोग क्लियर कर ली है लेवलिंग स्टाफ की कहानी क्लियर कर ली है अब हम लोग थोड़ा सा आगे जंप करते हैं बहुत तरीके से लेबलिंग करते हैं टाइप्स ऑफ लेबलिंग आपको नहीं पढ़ाए थे तो आज के लेक्चर के बाद जस्ट हम वीडियो अपलोड कर देंगे कल देखिए भूल गए थे जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाया था ठीक है ना आज हम कन्फर्म लेबलिंग के टाइप्स को डिस्कस कर देंगे ठीक है ना उसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट को तैयार कर लिए थे तो हम लोग आए थे फील्ड में कहाँ पर आए थे फील्ड में इंस्ट्रूमेंटवा का झोला में करके लाए थे फील्ड में आए थे और फील्ड में आपको कुछ ऐसा हर बोल रहा है कि सारे जगह पर ग्राउंड की क्या करो मेजरमेंट करो तो सबसे पहले कहीं पे ला करके इंस्ट्रूमेंटवा को सेटिंग करते थे यानी ये इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग कर दिए यानी इस स्टेशन को बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यहां से आप लोग बात को बढ़िया से ध्यान दोगे यहां से ऑब्जेक्टिव कन्फर्म आएंगे यहां से टोटल चार ही ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और चारों को जगह बता दे रहे हैं पहला ऑब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा दूसरा ऑब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा तीसरा ऑब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा और लास्ट ऑब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा तो देखो आप यहाँ से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको इंट्रोडक्शन से मिलेगा और यही तीन टर्म से आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव पहला मीन सिलेबस दूसरा डटम और तीसरा आर से मिलेगा इसके बाद आपको दूसरा ऑब्जेक्टिव जो देखने को मिलेगा वो कहाँ से देखने को मिलेगा तो सर दूसरा ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ से देखने को मिलेगा कन्फर्म तीसरा ऑब्जेक्टिव जो मिलेगा वो तीसरा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से मिलेगा ये ये प्रोसेस से चांस बनता है ये जो प्रोसेस आपको है ना यहाँ से ये सॉरी इंस्ट्रूमेंट का जो प्रोसेस एडजस्टमेंट यहाँ से चांस बनता है लेकिन यहाँ से कन्फर्म आपको ऑब्जेक्टिव देखने को एक मिलेगा यानी तीन ऑब्जेक्टिव की कहानी बताएं एग्जैक्टली वैसे ही ऑब्जेक्टिव आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा ठीक है हाँ चलिए बहुत सही अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये वाला यहाँ से ऐसा बोल रहे हैं कि हम सेटिंग कर दिए हम बोल रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट को हम सेटिंग कर दिए सेटिंग कर दिए हैं कहाँ पे तो स्टेशन ए पर अगर हम बोल रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट सेटिंग हो गया है इसका मतलब आप क्या समझोगे तो सर हम यही समझेंगे कि रीडिंग लेने के लिए तैयार हो गया है कह रहा है कि रीडिंग लो हमारा से रीडिंग लो हम, हम, हम तैयार हैं जैसे अगर आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो गए इसका मतलब आप पूरी तरह से एडजस्ट हो गए सेटिंग हो गए एग्जाम के लिए ठीक है ना हाँ तो यहाँ पे ये यह चिल्ला रहा है कि अब हमारा सो रीडिंग लो रीडिंग लो तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि पहले कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर ला करके यहाँ पे जो ये वाला आपको रिड्यूस ये वाला आपको क्या है सपोज करिए कि मीन सी लेवल वाली लाइन है बड़े आराम से चीज़ों को समझने की को कोशिश करिएगा और ये आपकी ग्राउंड है ठीक है ना ये है जी एल ग्राउंड लेवल ठीक है ना हाँ जी एल ग्राउंड लेवल अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ से उठा करके यहाँ से मीन सी लेवल से कोई रेफरेंस यहाँ पे सेट कर लेते हैं तो जो मीन सी लेवल से जो यहाँ पे रेफरेंस सेट करते हैं ना उसी को हम लोग बोलते हैं बेंच मार्क क्या बोलते हैं बेंच मार्क बोलते हैं बाबू तो ये हम लोग को कोढ़ियागिरी की वजह से हर एक बार हम मीन सी लेवल से नए नए मेजरमेंट करेंगे सर नहीं सर हर एक बार नहीं मेजरमेंट करेंगे तो हम लोग इसको यहाँ पे लेकर आते हैं बेंच मार्क और बेंच मार्क आपको चार तरह के जनरली देखने को मिलेगा एक होता है कि जी टी एस बेंच मार्क जो हम लोग को कहीं दूर दूर से कोई मतलब नहीं है ये होता है इंटरनेशनल तो वन नेशन टू तो अनदर नेशन के बीच जो बेंच मार्क एस्टेब्लिश किया जाता है उसको बोलते हैं जी टी एस और एक को बोलते हैं परमानेंट बेंच मार्क परमानेंट बेंच मार्क परमा नेंट बेंच मार्क ठीक है ना हाँ और इसको करता है पीडब्ल्यूडी क्या करता है पी और इसको स्टेट एजेंसी करता है स्टेट एजेंसी ठीक है ना तो ये सारे चीज छोटी छोटी बात याद रखना है चीजों को कैसे एक साथ लाना है इस चीज को समझोगे थोड़ा सा ठीक है ना हाँ अब थोड़ा सा देखो उसके बाद आता था कि टम्पररी बेंच एक आता था टम्पररी बेंच मार्क तो टेम्प्ररी बेंच मार्क होता है ये सारे लोग कमेंट करके बताएंगे टेम्प्ररी बेंच मार्क किसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं बहुत बढ़िया ग्रेट टेक्नोमेटिकल सर्वे ठीक है ना और इसको है सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट करता है सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट एकदम आराम आराम से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा डिपार्टमेंट ठीक है ना हाँ चलो तो यहाँ पे टेम्पररी बेंचमार्क किसके लिए अप्लाई करते हैं सारे लोग बोलेंगे बहुत चलिए यूट्यूब वाले बच्चे का थोड़ा सा हाल देख लेते हैं ट्राईपोड हैज थ्री लेग भूपेश जी अब टॉपिक आगे निकल गया है आपकी नेट स्लो है या आप शरारती कर रहे हो बहुत बढ़िया पहला जो जवाब आया है वो रितिका कुमारी एप्लीकेशन पर ठीक है ना दूसरा आया है जय श्री राम का ठीक है ना यूट्यूब वाले बच्चे में जो पहला जवाब किनका आया है पहला जवाब है सचिन का जो यूट्यूब पे है चलिए अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे तो जो टेम्प्ररी बेंच मार्क होता है एक दिन का काम खत्म हुआ और दूसरा दिन का काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी हम लोग निशानी देते हैं कि यहां से काम स्टार्ट करना है तो उसका रिड्यूस लेवल पता करना है फिर से ना कर पड़ेगा इसीलिए हम लोग वहाँ निशानी दे देते हैं तो उसको बोलते हैं ए टेम्प्रेरी बेंच यानी एंड ऑफ द वर्क एंड ऑफ द वर्क ठीक है ना जब काम ख़त्म होता है तब हम लोग उसका यूज करते हैं ठीक है ना हाँ यानी एक दिन काम खत्म हुआ जैसे कि आज खत्म करते करते कर, आज काम करते 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 अंधार हो गया और बाराती भी जाना है तो छोड़ छाड़ के वहाँ पर आ जाएंगे ना और फिर से आएंगे तो फिर से वहाँ से कैसे कंटिन्यू करेंगे जब तक कोई निशान नहीं रहेगा जब तक लास्ट पॉइंट काल नहीं पता रहेगा तो वहाँ पर हम लोग खूटा गाड़ देते हैं चाहे और कुछ कर देते हैं चाहे वहाँ पे कोई पत्थर रख देते हैं अरे सिविल इंजीनियर है सस्ता ज्यादा सोचता है ठीक है ना तो कुछ भी कर सकता है इंजीनियर है हम तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं ठीक है ना तो आप लोग को जो मेन बात सबसे ज़्यादा बार जो जाम में पूछे गए हैं वो टेम्प्ररी बेंच के बारे में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि बताओ टेम्प्ररी बेंच मार्क किस लिए यूज करते हैं जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसके लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग बनाएंगे ठीक है ना फिलहाल चीज़ों को संभाल रखें एक होता है कि आर्बिटरी आर्बिटरी बेंच मार्क ठीक है ना हाँ तो आर्बिटरी बेंच मार्क होता है ना कि अपने काम को सहूलियत के हिसाब से बेंच मार्क सेट करते हैं जैसे कि हमको दो तला तीन तला चार तला बिल्डिंग बनाना है ना तो हम लोग क्या करेंगे ना कि नीचे वाला फ्लोर को रेफरेंस मान लेंगे या सेकंड फ्लोर को रेफरेंस मानेंगे और उसके हिसाब से अलग अलग हाइट को डिसाइड करते रहते हैं उसको बोलते हैं टम्पररी सॉरी आर्बिटरी बेंच मार्क तो आपको जो मेन बातें चीज़ें समझ आया बेंच मार्क के मतलब समझ आइएगा कि ग्राउंड पर का वो पॉइंट जिसकी एलिवेशन पहले से पता हो यानी नॉन एलिवेशन होता है नॉन एलिवेशन नॉन एलिवेशन देखो तो नॉन एलिवेशन वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बेंचमार्क, ठीक है ना तो एक तरह का ये रेफरेंस हुआ ना ग्राउंड पर हर एक बार मीन सी लेवल से ना पता करके अब हम लोग करेंगे बेंचमार्क, और ये हर एक स्टैंडर्ड जगह पर आपको फिक्स रहता है हर एक स्टैंडर्ड जगह पर फिक्स रहता है परमानेंट बेंच ठीक है ना सर हर एक रेलवे स्टेशन पर आप देखोगे इस चीज़ को पीला पीला बोर्ड में लिखा रहता है समुद्र तल तुलसी ऊंचाई मुंबई वाले समुद्र तल से ऊंचाई इतना है मुंबई वाले समुद्र तल से ऊंचाई इतना है गया रेलवे स्टेशन पटना रेलवे स्टेशन और पता नगे कहाँ कहाँ रेलवे स्टेशन है सब जगह का तुम देख लोगे ठीक है हाँ तो ज़्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना है हम लोग को बेंचमार्क समझना है तो जो पहला रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं अब हम लोग ये सारे चीज़ को हम अगर इरेज कर दे तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा हम ये बोल रहे हैं कि नॉन एलिवेशन को हम लोग बोल रहे हैं बेंच मार्क क्या बोल रहे हैं बेंच मार्क ठीक है ना तो इस एलिवेशन को ऐसा बोल रहे हैं कि एक है कितना है एक मीटर है 102 मीटर कहने का मतलब आप मीन सी समुंदर की तल से 102 मीटर ऊंचा पर है कोई जगह समुंदर के तल से 101 मीटर नीचा 101 मीटर की दूरी पर है ऊंचाई पर है तो दोनों में कंपेरिजन करके बताएंगे कौन सा पॉइंट ऊंचा है कौन सा पॉइंट नीचा है कौन से जगह ऊंचा है कौन से जगह नीचा है तो लेबलिंग का हम लोग मेजर रूप से काम सर्वे में हम लोग अभी तक यही जानते हैं कि आप लोग ये पता करोगे कि कौन सी जगह ऊंचा है और कौन सी जगह नीचा है लेकिन आप लोग को ये भी सिर्फ जानना है सिर्फ यही जानना है कि कौन सी पॉइंट ऊंचा है और कौन सी पॉइंट नीचा है कैसे ऊपर उ... हो रहा है कि ढलान हो रहा है चढ़ान हो रहा है कि ढलान ये सब चीज हम लोग अपने भाषा में सीखेंगे जिसको यहाँ पे पता करना है अब जरा बताओ कि यहाँ पर आप क्या करोगे स्टाफ को रखोगे स्टाफ को रख करके यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को सेटिंग किए और सेटिंग करने के बाद सेटिंग करने के बाद यानी एडजस्टमेंट करने के बाद जो पहला रीडिंग लेते हैं एडजस्टमेंट करने के बाद जो पहला रीडिंग लेते हैं वो कहाँ पे लेते हैं तो बेंच मार्क पर स्टाफ को रख करके बात को बहुत ध्यान से समझिए पहला रीडिंग जो लेते हैं वो कहाँ पे लेते हैं तो सर बेंच मार्क पर स्टाफ को रख करके हम लोग क्या करते हैं तो सर रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं पहला रीडिंग डम्पी लेवल से कहाँ पे लेते हैं तो सर बेंच मार्क पर बेंच मार्क पर स्टाफ को रख करके और पहला रीडिंग लेते हैं तो जरा बेंच मार्क पर क्यों रख के लिए काहे कि इसका एलिवेशन नोन होता है इसीलिए इस जगह का हम लोग हाइट पता या यहाँ से आपको इंस्ट्रूमेंट की हाइट पता चल जाएगा और इंस्ट्रूमेंट की हाइट पता चल जाएगा ना दन दन अगला पॉइंट की हम लोग हाइट पता कर लेंगे तो जो पहला रीडिंग लेते हैं यानी फर्स्ट फर्स्ट रीडिंग जो लेते हैं फर्स्ट रीडिंग जो लेते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं बेंच मार्क पर रख करके लेते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो यहां पर डायरेक्शन में कोई ज्यादा लफड़ा नहीं लगाना ठीक है ना हम सिर्फ बैकवर्ड ले रहे हैं इसीलिए यहां पे ले ले रहे हैं मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन सबसे पहले आप लोग बोलिएगा जो फर्स्ट साइड रीडिंग रहेगा कहीं पे इंस्ट्रूमेंट जब नया नया जगह पर इंस्ट्रूमेंट को सेट करके जो पहला रीडिंग लोग आप लोग अपने अंदाज में सीखोगे कि जब नया नया स्टेशन पर इंस्ट्रूमेंटवा को सेटिंग करके जो पहला रीडिंग लेंगे ना उसको बोलेंगे बैक साइड रीडिंग दुनिया के कोई आदमी कुछ बोलते रहे हम यही सीखे हैं कि पहला स्टेशन पर यानी नया स्टेशन पर इंस्ट्रूमेंट को रख करके जो पहला रीडिंग लेंगे उसको बोलेंगे बैक साइड रीडिंग ठीक है हाँ बहुत बढ़िया ठीक है ना उसके बाद बाकी उसके बाद बाकी हम इंस्ट्रूमेंट लेबलिंग स्टाफ अलग अलग रख करके और जो भी रीडिंग लेंगे जो भी रीडिंग लेंगे उसमें अरे सारा खत्म हो गया अंडू आ गया चलो अब यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ से जो भी रीडिंग लेंगे इसमें दो कहानी एक होगा सबसे लास्ट रीडिंग एक होता है लास्ट रीडिंग एक होता है लास्ट रीडिंग लास्ट रीडिंग होगा लास्ट रीडिंग को हम लोग प्रेम से बोलते हैं फोर साइट रीडिंग क्या बोलते हैं फोर साइट रीडिंग क्या बोलते हैं फोर साइट रीडिंग ठीक है ना और इन जनरली फोरवर्ड डायरेक्शन में होता है इन जनरली हम बोल रहे हैं ठीक है ना और एक होता है एक होता है जो बीच में ये सारे अच्छा यहाँ पे ये वाला कौन सा रीडिंग होगा तो सर फोर साइट रीडिंग एफ एस आर ये वाला कौन सा होगा तो बी एस आर बैक साइट रीडिंग तो सर ये वाला सब क्या होगा तो सर ये सब होगा इंटरमीडिएट साइट रीडिंग आई एस आर इंटरमीडिएट साइट रीडिंग आई एस आर आप लोग को सिर्फ आई एस लिखल रहेगा समझ जाना कि इंटरमीडिएट साइट रीडिंग है एफएस एफ एस लिखा रहेगा तो समझ जाएगा कि फोर साइड रीडिंग है बी एस लिखा रहेगा तो समझ जाएगा बैक साइड रीडिंग है यहाँ तक किन्हीं लोग को समझने में कोई आफत कोई तकलीफ कोई समस्या नहीं सर हम कमेंट दो मिनट बाद लेते हैं सारे लोग को जो भी डाउट्स होगा एकदम बताएंगे ठीक है ना अब स्टूडेंट को कबाड़ करके यहाँ पर रख दिए अब स्टूडेंट को कबाड़ करके यहाँ पर सेटिंग किए अब इंस्ट्रूमेंट कबाड़ करके यहाँ पे सेटिंग किए तो अब बताओ ये वाला फिर से नया स्टेशन पर आ गया ना तो फिर से कोई पहला रीडिंग लेगा ना तो नया स्टेशन पर जो भी इंस्ट्रूमेंट को रख करके और जो पहला रीडिंग लेंगे ना सुगा अरे जो पहला रीडिंग लेंगे लेंग ना उसी रीडिंग को हम लोग बोलेंगे तो सर बैक साइड रीडिंग यानी यहाँ से पेन के कलर चेंज करना होता है और बोलेंगे यानी ये वाला रीडिंग ये वाला जो रीडिंग हो गया ये नया स्टेशन के लिए ये वाला हो जाएगा बैक साइड रीडिंग तो हम ये बोले कि जब जब इंस्ट्रूमेंट को चेंज करोगे तो जो ये वाला पॉइंट को बोलते हैं चेंज पॉइंट यानी यहीं से आपको सारा कहानी चेंज हो रहा है यानी इसको बोलेंगे चेंज पॉइंट या चेंज स्टेशन और चेंज स्टेशन पर दो रीडिंग आया दो रीडिंग आया एक फोर साइट रीडिंग एक फोर साइड रीडिंग और एक बैक साइड रीडिंग बात यहाँ तक नहीं होती है बात थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर करना होता है कि फोर साइड रीडिंग और बैक साइड रीडिंग किसका किसका होता है तो पुराना वाला स्टेशन का फोर साइड और नया वाला स्टेशन का बैक साइड तो याद रखिएगा कि जो चेंज पॉइंट होता है वहाँ पे दो रीडिंग ऑब्जर्व होता है एक फोर साइड रीडिंग और दूसरा बैक साइड रीडिंग पुराना वाला का फोर साइड और नया वाला का बैक साइड पुराना वाला का फोर साइड और नया वाला का बैक साइड चलो यहाँ तक क्लियर है या नहीं बैक साइड बहुत सही जवाब सारे लोग का रहा है यूट्यूब वाले बच्चे शेयर बेयर नहीं कर रहे हो ठीक है ना हाँ डे इंड होने पर बहुत बढ़िया काम इंड होने पर दिन खत्म होने पर काम खत्म होने पर सु चलो उम्मीद है चीजें समझ आया होगा और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग को तो यह सिर्फ इंट्रोडक्शन जाने कि यहां से ये चीज होता है हम लोग अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो छोटा सा यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आपको हमेशा पूछेगा नहीं सुधर रहा ये पूछेगा रिड्यूस लेवल पता करना रिड्यूस लेवल पता करने के लिए पूछेगा जरा बताओ रिड्यूस लेवल पता करने के लिए आपके पास दो मेथड थे एक था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ठीक है ना हा और दूसरा था राइज एंड फॉल मेथड राइज एंड फॉल चलिए हाँ 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 सही है राइज एंड फॉल मेथड ठीक है ना राइज एंड फॉल मेथड चीजों को ना बहुत बारीकी समझने की समझ कोशिश करोगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से भी आपके एग्जाम में पूछता है राइज एंड फॉल मेथड से भी एग्जाम में पूछता है देखो एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है ठीक है ना पहला तरीका ये करेगा कि आपको मेथड मेंशन कर देगा ऐसा कभी नहीं भूल आप रखिएगा कि मेथड मेंशन नहीं करता हर एक एग्जाम में पूछता है तो मेथड मेंशन करता है और जब मेथड मेंशन नहीं करेगा तो आप स्वतंत्र कोई भी एक मेथड का यूज करके आप बना सकते हो लेकिन 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 सेमेस्टर के खास बात है कि मेथड मेंशन करता है मतलब तय है कि दोनों ही मेथड को आपको समझना होगा ठीक है ना तो राइज एंड फॉल मेथड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथ दोनों से को समझेंगे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना उससे पता करेंगे उसके बाद राइज एंड फॉल मेथड है उससे पता करेंगे इसका एक और नाम जानते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का एक और नाम जानते हैं सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का एक और नाम जानते हैं जिसका नाम होता है ठीक है ना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का एक और नाम होता है जिसका नाम क्या होता है कोई नहीं बना पा रहे हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का एक और नाम होता है कोई नहीं जवाब दे रहे हो <laughs> चलो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का एक और नाम होता है हाइट ऑफ कोलिमेशन बहुत बढ़िया हाइट ऑफ हाइट ऑफ कोलिमेशन मेथड कोलिमेशन मेथड ठीक है ना तो ये दो चीजें हैं जो कि आपको क्लियर होना चाहिए और दोनों ही चीज में आपको रिड्यूस लेवल पता करना है तो छोटा सा यहाँ पे हम ट्विस्ट लाते हैं और इसको क्लियर करके बताने की कोशिश करते हैं अगर बोले कि ये वाला यहाँ से यहाँ एक मीटर है ये वाला बेंच मार्क तक एक मीटर न माने थे एक मीटर है और यहाँ पे रीडिंग ऑब्जर्व किए सपोज़ करिए कि एक वन पॉइंट फाइव मीटर है तो ज़रा बताओ कि बैक साइड रीडिंग कितना होगा तो सर बैक साइड रीडिंग तो हमारा बैक साइड रीडिंग हमारा हो गया वन पॉइंट फाइव मीटर सर बेंच मार्क कितना है तो सर बेंच मार्क दिया हुआ है एक सौ तीन मीटर दिया हुआ है अब जरा बताओ कि ये वाला यहाँ से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में सबसे बड़ा गलती स्टूडेंट करता है एक डाउट होता था कि सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ से मानेंगे यहाँ तक कि ई ललका लाइनवा से यहाँ पीलका लाइनवा तक तो हमेशा ध्यान देना हम लोग कोलिमेशन लाइन तक मेजरमेंट करते हैं कोलिमेशन कहते किसको है सर देखो ये वाला जो लाइन होता है ना इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कोलीमेसन लाइन ऑफ कोलीमेसन ठीक है ना हाँ तो जब लाइन ऑफ कोलीमेसन तक हम लोग मीन से देखो मीन सी लेवल से लाइन ऑफ कोलिमेशन तक जो भी हाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या इसी को बोलते हैं हाइट ऑफ कोलिमेशन तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को ही हम लोग बोल रहे हैं हाइट ऑफ कोलिमेशन मतलब जब कभी भी लेवलिंग में लेवलिंग के प्रॉब्लम बना रहे होते हैं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कंसिडर करते हैं वो मीन सी लेवल से कहां तक तो हाइट ऑफ कोलिमेशन लाइन तक ना ये गलती कभी नहीं करना कि इसका जड़िया तक लेना इसका पैर से लेना यह गलती कभी नहीं करना जीवन का यह भी एक गलती होता है ठीक है ना हाँ तो हम लोग करना कहा है कि जब कभी भी हाइट ऑफ कोलिमेशन पूछे तो हम मीन सी लेवल से कहां तक जाएंगे तो कोलिमेशन लाइन तक जाएंगे और इसी को बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ठीक है हाँ चीजों को क्लियर रूप से समझ आया होगा तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ हाइट ऑफ कोलीमेसन हाइट ऑफ कोलीमेसन लाइन कोलीमेशन लाइन अब जरा बताओ हाइट ऑफ कोलिमेशन लाइन की अगर बात करेगा तो आप क्या बोलोगे तो सर हम यही बोलेंगे कि सर ये वाला बेंच मार्क पहले लिख दो तो सर बेंच मार्क में हम लोग क्या करेंगे तो सर ये वाला यहाँ से यहाँ तक पहुँचो और यहाँ से यहाँ तक पहुँचो यानी बैक साइड रीडिंग को जोड़ देंगे तो बेंच मार्क में साइड रीडिंग को जोड़ देंगे तब हमको निकल जाएगा हाइट ऑफ कोलिमेशन और बेंच मार्क हमारा कितना तो हाइट ऑफ कोलिमेशन मिल जाएगा बेंच मार्क एक सौ तीन है और बैक साइड रीडिंग डेढ़ है मतलब हम बोलेंगे एक सौ साढ़े चार एक सौ साढ़े चार यानी 104.5 मीटर मिल गया हमारा क्या तो सर हाइट ऑफ कोलिमेशन और इसी को प्यार से बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट ठीक है ना हाँ तो एक रेडीमेड फॉर्मूला आ गया आप लोग को कि सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए हम बोल सकते हैं हम बोल देंगे हाँ, क्या इसको हम बोल देंगे कि बेंचमार्क प्लस बैक साइड बराबर क्या होंगे तो सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होंगे क्या इसको बैक साइड को जोड़ रहे हैं ना इसीलिए बैक साइड को हमेशा बोलते हैं बैक साइड को हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव साइड रीडिंग रीडिंग या पॉजिटिव साइड बोलते हैं और फोर साइड को हमेशा क्या करते हैं घटाते हैं इसीलिए फोर साइड को हम लोग बोलते हैं निगेटिव साइड ये भी क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं और इवेंट पूछे भी गए हैं तो ऑब्जेक्टिव जैसे आएगा आप लोग को वैसे वैसे क्लियर होगा चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर है ठीक है ना हाँ उसके बाद एक मेथड आता है राइज एंड फॉल मेथड ये दोनों को कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल लेकर के और अगला जब भी मैराथन होगा तो उस मैराथन में आपको लेबलिंग का न्यूमेरिकल चलेगा और लास्ट में एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट का न्यूमेरिकल चलेगा दो न्यूमेरिकल अगला मैराथन में चलेगा एक होगा राइज एंड फॉल मेथड पर राइज एंड फॉल मेथड पर और दूसरा मिलेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड पर और तीसरा जो न्यूमेरिकल मिलेगा वो मिलेगा एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट पर एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट पर ये अगला मैराथन का हम दे रहे हैं और वो मैराथन कभी आप लोग मिस नहीं करेंगे सारे लोग इन्फॉर्म करेंगे यहां से आपके छः मार्क्स सिक्योर होगा ठीक है ना हा चलो उम्मीद है चीजें पूर्वक पूरा क्लियर हुआ होगा अभी तक एक बार शुरू से हम रिविज़न कराते हैं कि आपने सीखा क्या और चीज़ों को कैसे याद रखना है हमने लेवलिंग सीखा लेवलिंग में ये सीखा कि सर हम लोग लेवलिंग वर्टिकल प्लेन में करते हैं वर्टिकल प्लेन में क्या करते हैं तो सर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का डिफरेंस पता करते हैं कौन ऊंचा है कौन नीचा है ठीक है ना उसके बाद कुछ टर्म पढ़ा तीन टर्म सी लेवल डटम और आर यही तीन को संभाल के रखना है मेन सी लेवल कहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है तो मुंबई से बस यही चीज़ समझ के रखना है इसमें जो इम्पोर्टेंट था लेवलिंग हेड के बारे में जान लिया बबल ट्यूब के बारे में जान लिया और हम लोग एक अल्टीट्यूड बबल इसके ऊपर होता है वो भी जान लिया यहाँ पे इसके बारे में जान लिया कि टेलीस्कोप होता है जिसमें मेन चीज़ था डायाफ्राम जिसको अपन क्रिस्टल क्लियर किया जो लोग पब्जी खेलते होंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखे होंगे खैर उसकी बातें यहाँ पे नहीं करेंगे ठीक है हाँ ये सारे का थोड़ा थोड़ा नाम जाने और थोड़ा थोड़ा काम जाने ठीक है हाँ उसके बाद हम लोग आ गए हैं सारे चीज़ के प्रोसेस पर सेटिंग पर सेटिंग कर लिए तीन स्टेप में सेटिंग खत्म किए लेकिन ऐसे बहुत सारा स्टेप था ठीक है उम्मीद है उसके बाद कुछ टर्म जो न्यूमेरिकल बनाने में आप लोगों को यूज आता था वही चीज़ बताए थे कि सर एक चेंज पॉइंट आता था जहाँ पर दो दो रीडिंग ऑब्जर्व होता था फोर साइड रीडिंग और बैक साइड रीडिंग ठीक है हाँ

बहुत सही ठीक है ना अब टाइम नहीं लेते अब ऑब्जेक्टिव को लाते हैं आप लोग भी उब रहे होंगे चलो आपके यहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव लाए या रिवीजन करा दें पीपीटी को ला करके दस दस मिनट सारे लोग बोलेंगे एक बार सारे जगह पर ठीक है सारे लोग बुलाएंगे ऑब्जेक्टिव लाए या रिवीजन करा दे पीपीटी को ला करके ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पीपीटी, ऑब्जेक्टिव 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 सारे लोग का जवाब आ रहा है ऑब्जेक्टिव चलिए ऑब्जेक्टिव चलिए अंकित जी ऑब्जेक्टिव बहुत सही ऑल आर राइट पीपीटी, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए था ठीक है ना? कुछ बोल रहे हैं पीपीटी कुछ बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव दोनों ही करवा देते हैं बस पांच मिनट टाइम लगेगा और ला करके इंपोर्टेंट देखिए दोनों ही चीज होगा आप लोग टेंशन नहीं लीजिए ठीक है दस मिनट टाइम और दे दीजिए ठीक है ना हाँ देखिए लेबलिंग जो बात किए थे अब यहां पर थोड़ा इस साइड में आते हैं अभी कमेंट नहीं कीजिए आप लोग पीपीटी पीपीटी दोनों चलिए अभी सही है जो लोग दोनों बोल रहे हैं उन्हीं है के जवाब सही बात सही हुआ ठीक है ना देखिए यहाँ पे यूनिट फोर है ये प्रचार है इसको आप लोगों को कुछ नहीं करना है ठीक है ना हम लोग पहले लेवलिंग के बारे में पढ़े थे लेवलिंग हम लोग वर्टिकल प्लेन में ऑब्जर्व करते थे कुछ टर्म होता था जिसको याद रखना है मीनसी लेवल के बारे में जान लिया ठीक है ना एब्सोलूट लेवल ये सब मोह माया ये सब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है हम लोग एब्सोलूट लेवल के बारे में नहीं जानेंगे डर्टम के बारे में जान लिया डर्टम क्या होता है रेफरेंस होता है एलिवेशन क्या होता है एलिवेशन एक वर्टिकल हाइट होता है वर्टिकल डिस्टेंस होता है कहाँ से तो डटम से तो ये चीज़ें आपको एक नया चीज़ मिला जो पीपीटी के मदद से मिला ठीक है ना हाँ बेंच मार्क चार तरह का होता है जी टी एस परमानेंट टम्प्ररी और आर्बिटरी जीटीएस क्या करता है तो जीटीएस जो होता है सर वो नेशनल एजेंसी तय करता है इंडिया का जो होता है सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट तय करता है ये क्या करता है स्टेट एजेंसी ने डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी जैसे पीडब्ल्यूडी डब्ल्यू ये सब करता है टम्प्ररी एक दिन का जब काम ख़त्म होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आर्बिटरी अपना सहूलियत के हिसाब से करते हैं उसको बोलते हैं आर्बिटरी ये हमारा बेंच कहानी ख़त्म हुआ है रेड्यूस लेवल के बारे में जान लिए रिड्यूस लेवल क्या करते थे तो सर हम लोग ये मीन सी लेवल से जब हम लोग या डटम से हम लोग यूज करते थे कोई भी हाइट को पता करते थे तो उसको बोलते थे क्या तो सर उसको बोलते थे रिड्यूस लेवल ये पॉजिटिव भी, भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है ठीक है ना उसके बाद हम लोग ये बेंच मार्क हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे ठीक है ना लेवल सरफेस लेवल लाइन ये सब चीज़ मोह माया है ये सब चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं ध्यान देना है मेथड ऑफ लेवलिंग भी मोह माया है इस सब चीज़ के बारे में अभी ध्यान नहीं देना है हम लोग को मेन इंस्ट्रूमेंट पर बात करना है डम्पी लेवल level और लेवलिंग स्टाफ ठीक है ना तो डंपी लेवल जो होता है उसकी दो कंपोनेंट डंपी लेवल जो होता है देखो दो, दो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एक डंपी लेवल और दूसरा लेवलिंग स्टाफ कोई कमेंट उमेंट अभी नहीं करेगा किसी कमेंट अभी हम रीड नहीं करेंगे पहला डम्पी लेवल है दूसरा लेवलिंग स्टाफ है डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है लेवलिंग स्टाफ होता है जिस पर हम लोग क्या करते हैं रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं सबसे खास बात की इसकी जो लिस्ट काउंट पूछा जाता है कि जो नॉर्मल लेवलिंग स्टाफ होता है उसकी लिस्ट काउंट होता है पाँच में हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो लेवलिंग स्टाफ के जो लिस्ट काउंट होता है ये होता है पाँच में पहली बार इसको हमने बताया था यूट्यूब पर और वो चीज़ें आपको एग्जाम में उसी ईयर में दिखा था दो में ठीक है तो दो के जो भी बच्चे होंगे वो लोग ए तो अभी देखेंगे ही नहीं उन लोगों की क्या जरूरत है ठीक है दो हज़ार उन्नीस में सबसे पहली बार ये लेवलिंग स्टाफ पढ़ाए थे और वहां से पूछा था ठीक है ना डंपी लेवल इसके बारे में हम लोग जान लिए डंपी लेवल के बारे में बताते हैं लेवलिंग हेड होता है उसमें ट्राई ब्राज और ट्राइबेट होता है और फुट स्क्रू होता है फिर टेली होता है बबल ट्यूब होता है थ्री स्क्रू होता है फोक्सिंग टेंजेंशियल और क्लैंपिंग स्क्रू फोक्सिंग स्क्रू फोक्सिंग करने में यूज करते हैं टेंजेंशियल स्क्रू छोटा सा लिटिल मूवमेंट के लिए यूज करते हैं क्लैंपिंग स्क्रू कसने के लिए यूज करते हैं कंपास का यूज करते हैं डायरेक्शन को बताने के लिए ठीक है ना ये कुछ फिगर था जिसके बारे में मोहमाया था हम लोग नहीं जानेंगे ठीक है ना थोड़ा सा बता देते हैं देखो यही है ये देखिए बबल ट्यूब है ये कंपास है ये सब स्क्रू है ये फूट स्क्रू है ये लेवलिंग हेड है ये दोनों ठीक है ना ये ऑब्जेक्टिव है ये आईपीस पीस है, इधर से देखेंगे यहाँ पे डायफ्राम है ठीक है ना और वो फिक्सिंग स्क्रू है ठीक है ना आगे बढ़ेंगे लेवलिंग हेड के बारे में जान लिए ठीक है ना सबका काम थोड़ा थोड़ा जानना है सबका काम हम लोग जान लिए हैं टेंशन नहीं लेना है ठीक है ना डायाफ्राम पर थोड़ा रुक करके बात करते हैं कि डायाफ्राम में क्रॉस एयर लगा रहता है ठीक है ना डायाफ्राम जो रहता है वो ब्रास रिंग में फिटेड रहता है इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा पिछला क्लास में एक ऑब्जेक्टिव बोल रहे थे कि सर वहाँ पे ब्रास रिंग दिया हुआ नहीं एल्यूमिनियम रिंग ही होगा पिछला क्लास के लिए ठीक है ना हाँ एक ऑब्जेक्टिव दस का थोड़ा सा एरर हो गया तो उसको हम सुधारेंगे अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा ठीक है हाँ देखिए लेवलिंग स्टाफ के बारे में हम लोग जान गए थे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं ये सारे लेवलिंग स्टाफ है सेल्फ रीडिंग स्टाफ ये सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे ठीक है ना टारगेट स्टाफ ठीक है ना एडजस्टमेंट पर बात किए थे परमानेंट टम्प्ररी एडजस्टमेंट दो एडजस्टमेंट था परमानेंट एडजस्टमेंट ऑलरेडी खत्म खत्म कर लेते हैं अभी खत्म नहीं किए हैं बस दो मिनट का टाइम वो भी खत्म कर देंगे ठीक है ना टम्प्ररी एडजस्टमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले इसके पहले लाइन ऑफ साइट और लाइन अप कोलिमेशन समझना है लाइन ऑफ साइट इसको बोलते हैं जहाँ से हम लोग देख रहे हैं रैंडमली उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट लेकिन जब हम लोग होरिजेंटल किसी चीज को देखेंगे ना तो वही लाइन ऑफ एक्शन को बोलेंगे लाइन ऑफ कोलिमेशन तो हम लोग को लाइन ऑफ कोलिमेशन कब जब लाइन ऑफ साइट होरिजेंटल हो जाएगा तब ठीक है तो ये चीज़ आप लोग को समझ आया होगा उसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं ये सारे चीज़ टेम्पररी एडजस्टमेंट था यही आपको सात पॉइंट लिखना है और सात पॉइंट से आपको मार्क्स मिलेगा छः मार्क्स ठीक है ना पहला है सेलेक्ट द सुटेबल पोजिशन दूसरा है फिक्सिंग द डंपी लेवल और ट्राईपोर्ट तीसरा है सेंटरिंग उसके बाद परफेक्ट लेवलिंग उसके बाद एलिमिनेशन और पैरलेक्स कैसे करेंगे उससे फोक्सिंग करेंगे उसके बाद टेकिंग रीडिंग यहाँ पर टाइपिंग रीडिंग नहीं है पीपीटी में मिस्टेक्स लिखा गया यहाँ पर टेकिंग रीडिंग होगा टाइपिंग रीडिंग का कोई सेंस नहीं निकलता है ठीक है ना हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे फिक्सिंग का डिफाइन किए हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग बात कर दिए हैं ठीक है ना हाँ थोड़ा सा आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेबलिंग जो कि आप लोग को छूट गया है और ऑलरेडी इसका रिकॉर्डेड लेक्चर है आप लोग को मिल जाएगा ठीक है ना हाँ तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ लेवलिंग होता है लेकिन लेकिन लेकिन, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कहीं पे आपको लाल कलर से दिखेगा और ये वाला फ्लाई लेवलिंग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसीलिए इसको हम पूरा इलेबरेट करके लंबा किया है ठीक है ना हाँ। उसके बाद टेक्निकल टर्म है लेवलिंग स्टेशन क्या होता है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन क्या होता है अभी हमने बताया ये सारे चीज़ अपन बता रखा है ठीक है ना हाँ अब हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं अब कुछ नहीं है सब मोह माया है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं ठीक है ना हाँ ये सब मोह माया है ठीक है ना अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर अब किसी लोग को अगर कोई सीखवा शिकायत है तो वो लोग दो मिनट टाइम लगकर कमेंट कर देंगे ठीक है बहुत सही फास्ट रिवीजन है सारे लोग को कवर होगा यस सर यस सर बहुत सही चलो आपके स्क्रीन पर ये पहला ऑब्जेक्टिव पे दिखाई देगा और ये पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो कुछ इस तरह से होगा आपके स्क्रीन पर और सारे लोग इस सवाल का जवाब देने में आप लोग कोशिश करेंगे और स्पीड मोड में जवाब देंगे अब आप लोग को पास इतना टाइम नहीं रहा कि उस टाइम को लेकर के आप सोल्व करोगे अब विदाउट पेन एंड पेपर हर एक चीज को सोल्व करेंगे अगर कोई भी कैलकुलेटिव आएगा तो भी ठीक है पहला कारा किदार्टील वाटर स्टील मतलब होता है रुका हुआ वाटर सरफेस ऑफ अ पौंड रिप्रजेंट जो अगर किसी नदी में जो पौंड में अगर रुका हुआ पानी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है हॉरिजेंटल सर्फेस के लेवल सर्फेस के कर्व सर्फेस के या नन ऑफ दिच किस सर्फेस को बताता है हॉरिजेंटल सर्फेस के या लेवल सर्फेस को किस सर्फेस को बहुत सही जवाब सारे लोग आ रहा है बहुत सही ठीक है ना यानी जो रुका हुआ पानी रहता है ना जो रुका हुआ पानी रहता है ना वो बताता है कौन सा सरफेस को तो वो बताता है आपको एक होरिजेंटल सरफेस को बताता है ठीक है ना हाँ तो इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे कुछ लोग बी जवाब दे रहे हैं ठीक है ना यूट्यूब वाले बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं यूट्यूब वाले बच्चे ए ए ए ए ए ए ए ए ए चलिए तो यहां पे एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम बताने की कोशिश करेंगे यहां पे देखो इस चीज को थोड़ा सा हम समझाते हैं सारे लोग जवाब ए आ रहा है कुछ लोग का जवाब बी आ रहा है तो हम बहुत आराम से चीज़ को समझाने की को कोशिश करते हैं ये वाला आपको क्या है ये वाला आपको रुका हुआ सरफेस है है ठीक ना रुका हुआ सरफेस है ठीक है ना तो ये होरिजेंटल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है होरिजेंटल सरफेस को होरिजेंटल सरफेस को लेकिन यहां पे देखिएगा कि हर एक जगह पर आपको हर एक जगह पर क्या है आपको इक्वी पोटेंशियल लाइन फॉर्म होता है इक्वी पोटेंशियल पोटेंशियल लाइन फॉर्म होता है इसीलिए इस सरफेस को गलत फॉर्म में कभी जवाब नहीं देंगे इसीलिए इसको बोलेंगे लेवल सरफेस ठीक है ना हाँ यानी इस सवाल में मैक्सिमम लोग फंस गए थे और मैक्सिमम लोग जवाब दे रहे थे ए ए, ए। अब जिन लोग का जवाब आ रहा है ए वो लोग अपना सुधार लेंगे और इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा लेवल सरफेस क्या होगा लेवल सरफेस तो स्टील वाटर से हम लोग पता करते हैं कौन सा लेवल सरफेस और ये बहुत बार सेमेस्टर में पूछा गया और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलती करने की कोशिश किए हैं और इवेंट किए भी हैं ठीक है ना तो पहला सवाल का उत्तर सारे लोग को फिफ्टी परसेंट लोग इसको गलत दे दिए फिफ्टी परसेंट लोग इसको सही दे दिए थे ठीक है ना हाँ हम लोग बताए थे कि इक्वी पोटेंशियल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं तो सर लेवल लाइन बोलते हैं ठीक है हाँ तो चीज़ों को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कुछ लोग ए बोल रहे हैं कुछ लोग बी बोल रहे हैं कुछ लोग तो सी बोल रहे हैं कर्व सर्व कैसे होगा रे सुगा ठीक है ना हाँ चलिए अरे अरे कमेंट उल्टा आ रहा है क्या मोबाइल सही है कमेंट अरे अरे रोटेट हाँ रोटेट हो गया सही चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन क्यों आते हैं ठीक है ना हाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि एट इवरी टर्निंग पॉइंट व्हीच व्हीच ऑफ द फ्लोविंग फ्लोविंग इज टेकन हर एक चेंज पॉइंट पर क्या टेकन करते हैं हम बता रहे थे कि अगर यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को कबाड़ करके यहाँ पे लेकर आ गए यहाँ पे लेकर आ गए यानी ये वाला सबसे लास्ट पॉइंट हुआ तो यहाँ पे इसको बोलते थे चेंज पॉइंट तो चेंज पॉइंट पर क्या चीज़ देखने को मिलता है इस सवाल का सही जवाब सारे लोग को आना चाहिए जिन लोग को नहीं आ रहा है वो लोग के मोबाइल से हम निकल करके पीटेंगे या और नहीं तो वो दूसरे लोग अगर नहीं पहुँच पाते हैं नहीं निकल पाते मोबाइल से तो खुद से ईमानदारी से मुर्गा बनेंगे ठीक है ना अगर इस सवाल का सही जवाब नहीं देते हैं तो ठीक है ना बहुत सही आर के सी 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 बहुत सही यानी इसका दो का सही जवाब होगा आपका सी ठीक है ना हाँ चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर और, और क्वेश्चन नंबर तीन का होता है कि फोर साइट इन लेवलिंग फोर को क्या बोलते हैं प्लस साइट बोलते हैं माइनस साइट बोलते हैं बोथ बोलते बोलते हैं नन बोलते हैं नन ऑफ कौन सा ऑप्शन सही होगा फोर साइट के लिए फोर साइड के लिए चलो जवाब देने का तरीका बहुत सही नहीं है कुछ लोग को कुछ लोग गलत तरीके से जवाब दे रहे हैं चलिए दो का सी दो का सी बहुत बढ़िया लेकिन अभी दो नहीं है अभी दो से आगे बढ़ गए हैं है? हाँ। दो नहीं है चलिए सही है सारे लोग का आ रहा है अब सही आ रहा है बहुत सही अभी बताएं कि इसको बोलते हैं बैक साइड को बोलते हैं ये वाला होता है प्लस साइड बैक साइड रीडिंग होता है और ये वाला होता है फोर साइड रीडिंग होता है तो यह गलती कभी नहीं भूलिएगा यानी माइनस यानी इसका सही उत्तर होगा बी ठीक है ना हाँ चलो चलो आगे कह रहा है कि द डायाफ्राम ऑफ ए सर्वेइंग टेलीस्कोप इज हेल्ड जो सर्वेइंग टेलीस्कोप में डायाफ्राम कहाँ पर रहता है इस चीज़ को बताइएगा पहला कह रहा है इन साइड द आई पीस दूसरा कह रहा है इन साइड द ऑब्जेक्टिव तीसरा कह रहा है इन साइड द टेलीओस्कोप एंड नियर द आई पीस और चौथा कह रहा है कि सरकारी ऑप्शन देखिए सरकारी ऑप्शन थोड़ा सा इधर लिखा है आप क्या टिक करोगे इस पर डिपेंड करेगा चलिए बहुत सही आ रहा है पटना पटना रणधीर राजीव प्रज्ञा सारे लोग का जवाब तो सही आ रहा है ठीक है ना हाँ ये किसी आईपीस और ऑब्जेक्टिव में नहीं होता ये तो इनसाइड में इनसाइड वाला जवाब खत्म हो गया ये हम नजदीक बोलेंगे किसके नजदीक होता है इनसाइड द टेलीस्कोप टेलीस्कोप के अंदर रहता है ये बात सही है और के कर नजदीक रहता है तो सर आईपीस के नजदीक होता है ये चीजें बहुत बढ़िया से बताएं मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसलिए क्योंकि उन लोगों ने रिविजन सही से नहीं करा ठीक है तो जो लोग आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव में चार सिक्योर होगा कि, वो किसकी वजह से इंक्रीज करता है पहला डिक्रीज इन द टेम्परेचर दूसरा कह रहा है कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर नन ऑफ दिज इस सवाल का सही उत्तर देखते कितने लोग बनाते हैं और ये एक अलग क्वेश्चन है जो अभी अभी तक सेंसिटिविटी अपन नहीं पढ़ा इसको अपन एडवांस में पढ़ाता है सेंसिटिविटी का ठीक है हाँ चलो देख लेते हैं एक बार कमेंट ठीक है कहा चला गया ठीक है बी 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 सारे लोग बी बता रहे हैं कुछ लोग सी बता रहे हैं कुछ मैक्सिमम लोग तो तोका लगा रहे हैं पहली बात जो लोग टूका लगा रहे हैं थोड़ा सा समझ जाएंगे सेंसिटिविटी के बारे में हमने नहीं पढ़ाया इसीलिए इस चीज़ को अभी फ़िलहाल के लिए याद कर लीजिए कि जो सेंसिटिविटी जो होता है वो इनक्रीज़ होता है जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने पर सेंसिटिविटी क्या होता है इनक्रीज़ करता है इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे ठीक है ना हाँ तो ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है जिसको आप लोग याद रख लीजिएगा ठीक है और एक बात और अगर मान लें जल्दीबाजी में एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में तो उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जरूर हम सुधार करते हैं तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखा कीजिएगा ठीक है हाँ जैसे मैं पिछला क्लास में एक टेन का था दस का जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा उसको हमने बता दिया था डी बताए थे तो उसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा और दस का जो क्वेश्चन था पिछला क्लास का वो ए होगा यानी कंपास सर्वे का ठीक है ना तो ये क्लोजिंग इधर वाला था तो इसको सारे लोग सुधार लीजिएगा ठीक है ना हाँ यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा पांच का ए होगा ठीक है हाँ चलो अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन ये वाला चीज को सारे लोग बताएंगे काराकि लेवल सर्फेस काराकि कर्ब कर्व सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट ईच पॉइंट ये होगा या एनी सरफेस पैरेलल टू द मीन एस्प्रोइडल सरफेस ये होगा या द सरफेस पैरेलल टू द स्टील वाटर सरफेस ये होगा या ऑल ऑफ द एब होगा सरकारी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा सबसे पहले ये बताना है कौन सा ऑप्शन इस जवाब का सही होगा क्वेश्चन नंबर सी बहुत सही कुछ लोग का जवाब आ रहा है बहुत सही आ रहा है चलिए ये वाला गलती कभी नहीं करना है इस सवाल का एकदम डायरेक्ट डिफिनेशन से बताए हैं और ये चीज अपन बहुत बढ़िया से बताने की कोशिश किया है कि जो स्प्राइडल सरफेस है उसी का हम लोग क्या करते हैं मीन लेते हैं जो अर्थ का जो स्पेरिकल सरफेस होता है ना वही मीन एस्फेरिकल सर्फेस उसी को पैरल जो भी लाइन होता है उसको बोलते हैं लेवल सरफेस ठीक है ना हाँ चलिए इस सवाल का सही उत्तर बी होगा बी मतलब बहादुर बनो ठीक है हाँ चलो आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द डटम एडोप्टेड फॉर इंडिया इज द इंडिया में डटम कहाँ से लेते हैं इंडिया में डटम कहाँ से लेते हैं सेवन सेवन का जवाब नहीं आ रहा है इंडिया में डटम कहाँ से लेते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन यूट्यूब पर पहला स्टूडेंट जिनका जवाब आएगा उनको हम बताएंगे सेवन का सेवन का चलिए अप्लीकेशन पर आ गया क्या हाँ चंदू चंदू जी आ गए हैं पहला स्टूडेंट वाले सो रहे हैं पहला स्टूडेंट चलिए सही है तो इस सवाल का सही जवाब है मद्रास मुंबई कराची कहाँ से लेते हैं तो हम लोग बोलेंगे मुंबई से लेते हैं यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक है ना हाँ चलिए अच्छा आ गया है सबसे पहला गुलशन कुमार चौधरी जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उसके पहले उसके पहले सचिन जी दिए हैं सबसे पहला स्टूडेंट सचिन जी हैं ठीक है ना तो आप थोड़ा सा स्पीड बनाओ एक के साथ हालांकि सेमेस्टर में तो स्पीड काम ही नहीं करेगा लेकिन आगे आने वाले जितना भी दिन होगा सेमेस्टर के बाद सब जगह पर एकूरेसी काम देगा और स्पीड काम देगा कह दे दे, दे दे तुरे तो दे। दे रहा कि द बेंच मार्क एस्टेब्लिश बाई द सर्वे ऑफ इंडिया इज नोन एज जो सर्वे ऑफ इंडिया बेंच मार्क एस्टेब्लिश करता है उसको कौन सा बेंच मार्क करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया जो एस्टेब्लिश करता है उसको कौन सा बेंच मार्क करते हैं इस चीज़ को बढ़िया से सारे लोग बताने की कोशिश करोगे जो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट बेंच मार्क को एस्टेब्लिश करता है वो कौन करता है चलिए आठ का ए ए ए सी कुछ लोगों का सी आ रहा है यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने लोगों क्या आ रहा है ठीक है ना हाँ चलिए ए ए सी सी बहुत सही ठीक है सी सी बहुत सही क्या लिख रहे हैं बी सी नहीं एट का सी बहुत सही ठीक है ना चलो तो देख लो यहाँ पे जो जवाब होगा सही हम अभी बोले कि जो ये जो होता है वो इंडिया का सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट डिसाइड करता है बोले थे ना सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट करता है ये वाला चीज़ आपको स्टेट स्टेट जे करता है वाला डिसाइड करता है पी और ये वाला सर्वेयर डिसाइड री है नहीं जी यहां पे एक टम्पररी लिख लो ताकि चीजें को एक जगह पर क्लियर होगा टम्प्ररी जो होता है वो सर्वेयर डिसाइड करता है एस यू आर आर्बिटरी होता ये डिसाइड करता है ये मिस्त्री तो याद रखिएगा कि जीटीएस जो होता है वो वो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट डिसाइड करता है सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट और ये वाला आपको पी डब्लू डी डिसाइड करता है ये वाला परमा टम्पररी जो होता है टम्पररी जो होता है वो सर्वेयर डिसाइड करता है और आर्बिटरी जो डिसाइड करता है वो मिस्त्री डिसाइड करता है ठीक है चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे आगे बढ़ते हैं चलो क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर हम लोग मूव करते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कारण कि द सर्फेस टेंजेंशियल टू द टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस इज सेट टू बी देखो अगर मान लीजिए कोई लेवल सरफेस है और इसकी टेंजेंशियल मतलब छू करके इस तरह से पास कर रहा है तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसी को तो बोलते हैं टेंजेंशियल तो इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे इस सरफेस को क्या बोलेंगे तो सर होरिजेंटल सरफेस इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं था बहुत सही आ रहा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दस कह रहे हैं कि द लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड एक्सिस ऑफ द टेलियोस्कोप शुड भी बताओ ये चीजें अपन नहीं बताया था लेकिन अभी हम बता देते हैं यहाँ पे कि अगर ये कोई इस तरह से इस तरह से आपका टेलियोस्कोप है और ये टेलीस्कोप के इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन लाइन ऑफ कोलिमेशन और एक होता है क्या एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का एक्सिस ई वाला होता है देखो इस वाले एक्सिस को बोलते हैं टेलीस्कोप के एक्सिस या एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एक होता है ये अरे सॉरी इंस्ट्रूमेंट डंपी लेवल का नहीं यहां पे टेलीस्कोप कह रहा है जी यहाँ पे टेलीस्कोप कहाँ रहा है यानी टेलीस्कोप का, का एक्सिस भी यही होगा हम फिगर को थोड़ा सा बढ़िया से बनाने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए और सारे लोग होश हवास में जवाब देंगे यहाँ पे ठीक है ना बहुत लोग गलती करेंगे क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ करके अगर ये कोई आपका क्या है तो सर ये डम्पी लेवल है डम्पी लेवल है और डम्पी लेवल का ये कुछ ऐसा फिगर होता है दम आराम आराम से इसको बताते हैं ठीक है ना हाँ ये डम्पी लेवल का इसको बोलते हैं टेलीस्कोप तो टेलीस्कोप का जो एक्सिस होता है वो कुछ ये वाला एक्सिस को बोलते हैं टेलीस्कोप एक्सिस लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट का एक्सिस बोलेगा तो ये वाला वर्टिकल एक्सिस होगा इस बात को ध्यान दीजिएगा ठीक है ना जल्दीबाजी में नहीं पढ़िएगा तो देखो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप ठीक है ना और यहीं से अगर देखोगे तो इसी लाइन पर कौन साइड कर जाएगा क्या तो सर इसी लाइन पर कौन साइड कर जाएगा लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या बोलेंगे लाइन ऑफ कोली तो आपके यहां पे क्वेश्चंस में ये नहीं कहा है कि इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस बताओ इंस्ट्रूमेंट की एक्सिस नहीं पूछ रहा स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट के बोल रहा है वो टेलीस्कोप का एक्सिस और लाइन ऑफ कोली तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे पैरल होंगे पैरल होंगे परपेंडिकुलर होंगे या कौन साइड करेंगे क्या होगा अब सारे लोग करेक्ट जवाब देंगे बहुत सही जवाब आ रहा है कुछ लोग ए में फंस चुके हैं राजीव जी का सही जवाब बहुत बढ़िया ठीक है शानदार ठीक है हाँ यानी इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है ना चलो सारे लोग का जवाब सही आ रहा है कोई डॉट्स कोई गीला सिकवा शिकायत बोलेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन की ओर मूव करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कह रहा है कि वेन दें इज रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द क्रॉस हेयर एंड अस्टाफ रीडिंग इज नोन एज पैरालेक्स कोलीमेशन एरर या रिलेट रिफ्रैक्टिव एरर अब जरा बताओ क्रॉस हेयर का रिलेटिव मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कोलिमेशन एरर बोलते हैं या पैरालेक्स बोलते हैं ज़रा बताओ तो पैरालेक्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं कोलीमेसन एरर बोलते हैं सारे लोग इस सवाल का जवाब देंगे एक बार देख लेते हैं यूट्यूब वाले बच्चे लोग को क्या जवाब आ रहा है ठीक है हाँ बी बी अरे आप सही तरीके से नहीं जवाब दे रहे हो ठीक है बी बी कोलिमेशन एरर ए ए ए बहुत लोग का कंफ्यूजन है ठीक है ना यही सब छोटा छोटा कंफ्यूजन तो हम यहाँ पे दूर करते हैं बहुत लोग ए ए ए ए राजीव रंजन ए बहुत सही जिन लोगों का ए आ रहा है उन लोग इस क्वेश्चंस को बनाने में सफल हुए और उनको मिलता है इनाम अगले दिन का रिवीजन का ठीक है हाँ तो यानी इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो पैरालेक्स ईयर होता है हम बार बार बोले हैं कि जब कभी भी बात करें डायाफ्राम से क्रॉस हेयर का तो उससे हम लोग हमेशा दूर करते हैं एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स हमेशा किस चीज़ को दूर करते हैं एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स याद रखिएगा हम लोग फोक्सिंग टोक्सिंग करते थे याद आ रहा है कुछ तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो पैरालेक्स होगा ठीक है ना इस सवाल का सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन नंबर ए ठीक है ना हाँ। चलो अब नंबर पे कह रहा कि द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग टू डिटरमाइन द एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज जब दो पॉइंट का एलिवेशन डिसाइड करते हैं बिटवीन टू पॉइंट दो पॉइंट के बीच में तब उसको क्या बोलते हैं सिंपल लेवलिंग बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग बोलते हैं या डिफरेंशियल लेवलिंग बोलते हैं ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको टाइप्स ऑफ लेवलिंग पढ़ाया जाएगा टाइप्स ऑफ लेवलिंग पढ़ाया जाएगा तो सर अब कब दोगे अरे आज अपलोड हो जाएगा ठीक है ना हाँ तो जब दो पॉइंट के बीच में जो भी कर द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग डिटरमाइन द एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स अगर दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग डिसाइड करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल लेवलिंग उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं सिंपल लेवलिंग बोलते हैं ठीक है इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है चलिए थोड़ा स्पीड करते हैं अब आगे कह रहा है कि द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग फ्रॉम द फिनिशिंग पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे ऑफ वर्क इज नोन एज इस तरह का देखो ये क्वेश्चंस को अभी हम लोग नहीं बात कर रहे हैं लेकिन इस सवाल का उत्तर बताते हैं ए जैसे ही आप लोग टाइप्स ऑफ लेबलिंग पढ़ लोगे तो इसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा ठीक है ना हाँ ठीक है तो दो क्वेश्चंस आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग पर आ गया है एक क्वेश्चन और आ गया है ये भी इसको छोड़ दो तीन क्वेश्चन आ गया है ठीक है ना तीनों ही क्वेश्चन आपसे बन जाएगा जब आप वो लेक्चर देख लोगे ठीक है कह रहा है कि द टेंजेंट टू द लॉन्गिट्यूडनल सरफेस ऑफ द बबल ट्यूब इज नोन एज देखिए अगर मान ले जाए कि ये कोई लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब है इसको बोलते हैं लॉन्गिटूडनल बबल ट्यूब और ऊपरे वाला को बोलते हैं अल्टीट्यूड बबल ट्यूब तो जरा बताओ कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब है ये जो लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब है इसके क्या बोल रहा है टेंजेंशियल जो सरफेस होगा द टेंजेंट या इस टेंजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे इस टेंजेंट को क्या बोलेंगे इस टेंजेंट को बताना क्या बोलेंगे तो इस टेंजेंट को क्या बोलेंगे, बोलेंगे? बोलेंगे? एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बोलेंगे या सेंटर ऑफ लाइन ऑफ बबल ट्यूब बोलेंगे या प्रोफाइल ऑफ़ द बबल ट्यूब बोलेंगे क्या बोलेंगे सारे लोग बताने की कोशिश करोगे क्या बोलेंगे बहुत सही जवाब आ रहा है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं बाबू एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब ठीक है हाँ आगे बढ़ते हैं ये सारे चीज़ें बहुत बढ़िया से बेहतरीन ढंग से क्लियर करवाया गया है और ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है जिसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा सेमेस्टर एग्जाम में तो नहीं पूछा है लेकिन भविष्य में अगर पूछ सकता है तो ये चीज़ें आपके टॉपिक में नहीं पढ़ना है लेकिन बुक जिस बुक से क्वेश्चन सेट होते हैं वो बुक में ये चीज़ें डायरेक्ट दिया हुआ है इसीलिए इसको याद रखिएगा कि करेक्शन ड्यू टू करवेचर इन लेवलिंग उसके वजह से होता है डी स्क्वायर बाई टू आर होता है इस चीज़ को आप सिर्फ ध्यान में रखिएगा ठीक है हाँ इसकी पीडीएफ भी हम दे देंगे एप्लीकेशन में पीडीएफ अपलोड हो जाएगा ठीक है हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है बहुत सही सत्रह का यहाँ पे कह रहा है कि ये सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर आप कंटूर आ गया देखिए अब हम लोग इस सेशन को यहीं पे रहने देते हैं यानी सोलह नोमरगल्स कराए हैं सोलह ऑब्जेक्टिव कराए हैं आप लोग कमेंट में जरूर बता देंगे कितने ऑब्जेक्टिव सही हुआ कितने ऑब्जेक्टिव आपको गलत हुआ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पिछला क्लास का जो क्वेश्चन नंबर टेन था उसको सुधार लीजिएगा एक डॉट और आ रहा था पिछला क्लास जब हम ले रहे थे तो वहाँ पे लोग बोल रहा था कि फार्मूला गलत लिख रहे हैं फार्मूला गलत लिख रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं है उसको वीडियो को एक बार और जाकर देखिएगा फार्मूला पूरी तरह से सही है आपको टू एन माइनस टू एन माइनस फोर होता है इंटू नाइन्टी डिग्री जो होता है वो सम ऑफ द इंटेरियर एंगल होता है इंटेरियर एंगल होता है और एक होता है एक्सटेरियर एंगल का सम कितना होता है ये सम की बात कर रहे हैं तो एक्सटेरियर एंगल का सम होता है टू एन प्लस फोर इंटू नाइन्टी डिग्री ये चीज़ें आपको कल बताया गया था जिसको आ, आप लोग कह रहे थे गलत है बिल्कुल सही है आप सिर्फ और सिर्फ जाकर के क्वेश्चन को कंसेप्ट को वीडियो को एक बार और रिकॉल करेंगे आप कुछ चीज़ें पूरा क्लियर हो जाएगा हमने इंक्लूडेड एंगल निकाल रहा था तब ठीक है चलिए और कोई दिक्कत है तो आप लोग बोलिएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए सर प्लीज मिल जाएगा सारे सारे यूनिट का एक साथ अब हम लाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे में हो जाएगा फिर दिक्कत ठीक है सोलह में तेरह आया तेरह टीचर को तेरह नहीं बोला जाता इज्जत से बोला जाता है तेरह आया तेरह श्रवण कुमार सर्वेश कुमार श्रवण नहीं है प्रवीण कुमार चलिए सही है सेशन को एंड कर देते हैं आज का सेशन यही परिणत है ठीक है, है। चलिए जो भी दिक्कत होगा वो सारे कमेंट में लिख दिया कीजिए ताकि हम कमेंट को रीड करें तो अगले और जब भी आए सेशन लेने के लिए तो आपकी सोल्यूशन के साथ आए ठीक है दोनों जगह पर लिखा कीजिए चलिए सोलह में सोलह बनाइए पंद्रह में फलना फलना नहीं आ हाँ। आजा चलिए और थोड़ा सा अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं ठीक है हाँ